ठीक है। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था? सर्कुलर मोशन शुरू करने वाले थे आज, पहले पिछली क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एक तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा पिछले दो डेमो क्लास के बाद। आज हमारा उसी कंटिन्यूएशन में थर्ड डेमो क्लास है, एंड दिस विल बी द लास्ट डेमो क्लास ऑफ फिजिक्स। आज तीसरी, और उसके बाद आई विल बी बैक आफ्टर 1 वीक। तो कल आप लोगों की क्लास लगेगी इधर बायो और केमिस्ट्री। सेकेंड, जो हमने टॉपिक आखिरी बार छोड़ा था वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने काइनेमेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, और सेकेंड टॉपिक सर्कुलर मोशन आज हमें शुरू करना है। बट बिफोर दैट, जो भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन भी कर लिया था, ये और ओके। दिस इज द क्वेश्चन जो हमें करना है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी समान चाल है, स्पीड ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, और फिर आगे फिर चार ऑप्शन उसने दिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स है करके ऑप्शन दे देता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन इसने दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है यानी त्वरण नहीं हो रहा है। सेकंड है, इट माइट बी एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो अनश्योर है, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है। थर्ड इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, कि एक्सेलरेशन पक्का होगी इस बात की गारंटी लेता है। तो तीनों ऑप्शन में एक बार यहाँ पे डिफरेंस फिर से समझ लो। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन होने का चांस ही नहीं है, यहाँ पे बोलता है एक्सेलरेशन पक्का होती ही होती है, ये ऑप्शन बोलता है शायद एक्सेलरेशन होगी शायद नहीं होगी। उसके बाद आखिरी ऑप्शन बोलता है इट हैज़ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कि उसका वेग समान होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक आदमी है जो भाग रहा है, यहाँ पे है वो 5 की स्पीड से, 1 सेकंड के बाद वो यहाँ है 5 से, फिर वो यहाँ है 5 से, फिर यहाँ है 5 से, ये मैं इसकी स्पीड लिख रहा हूँ, तो ये मीटर पर सेकंड में लिखी है मैंने सारी वैल्यूज। इस एग्जाम्पल में उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आदमी पार्क में घूम रहा है, ये एग्जाम्पल हम पिछली क्लासेज में कवर कर चुके हैं। तो आदमी यहाँ पर है, फिर वो आदमी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और ऐसे ही उसकी स्पीड भी हर पॉइंट पर 5 है। तो ये एग्जाम्पल भी जो क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर सूटेबल है। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के ऊपर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कितनी है उसकी वैल्यू भी हमने की थी v² / r। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड अगर होती है तो एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना सही रहेगा। पर जो लास्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या उसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज़ इस सिचुएशन में अप्लाई होगी। पर ये वाली चीज़ क्या इस सिचुएशन में अप्लाई होगी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है? पिछली क्लास में ये बात हम कर चुके थे कि सर्कुलर मोशन में यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी और यहाँ जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही वेलोसिटी बदल गई थी। हेंस ये वाली चीज़ उस लास्ट ऑप्शन पे अप्लाई नहीं होगी, इसलिए ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तो अपना सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन ये है, कुछ कमेंट्स बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन लिख कर या दिखा कर कराया कीजिए। ओके, वन थिंग इज़ आई कैन राइट द कंप्लीट क्वेश्चन, पर वो बहुत टाइम वेस्ट करा देगा। आज आज नहीं करूँगा मैं, नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई डू, मैं क्वेश्चंस मैनेजमेंट को दे दूंगा पहले से इन एडवांस, और जब भी अगर मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो उसको ब्लिंक करवा देंगे ऊपर बोर्ड के ऊपर, जो भी डिजिटल फॉर्म में होगा। ओके, जस्ट बियर इट फॉर टुडे ओनली, आगे से जो आपका रिक्वेस्ट है ये विल फॉलो दैट। एक स्टूडेंट बोलता है कि सर दिस कोर्स बेनिफिशियल फॉर SSC JEE मैकेनिकल, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल शब्द जहाँ पे आपने लगा दिया, अगर आप उसके रिलेटेड पूछ रहे हैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट जहाँ फिजिक्स पोर्शन का सवाल है वो सबके लिए कॉमन होता है, सो दिस इज़ बेनिफिशियल। फिर सर साइंस को नोट कराना होगा? नहीं, मतलब
नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो है, समझो मैथ है ये, अब मैथ को नोट थोड़ी ना करते हैं, है ना। बायोकेमिस्ट्री होती तो आपको भी नोट्स बनाने की ज़रूरत है, फिजिक्स तो एक तरह की मैथमेटिक्स है, तो क्या नोट्स बना के कर लोगे, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक बच्चा बोलता है नोट्स कैसे बनाएं, आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो यू हैव द वीडियो, आप पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद आप उसको पॉज करके बैक जा जाके इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने हिसाब से लिख लेना। वीडियो जब देख रहे हो उस समय सिर्फ आप कंसेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करो, क्योंकि होता क्या है, आई कैन एक्सप्लेन इट फॉर यू, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड इट फॉर यू। और एग्जाम में फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो रटा मारने वाली चीज़ें आनी बंद हो गई हैं, वहाँ पे आपको कंसेप्चुअली समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हो सकता है जब 2 घंटे में पढ़ा रहा हूँ उस दौरान आप साइमल्टेनियसली साथ साथ नोट ना कर पाएँ, और नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट वंस द क्लास गेट्स ओवर आप फिर बाद में अपने बैठें, फिर जो जो जहाँ जहाँ आपको काम काम के रेलिवेंट पॉइंट लगे थे आप उसको नोट कर लें। ओके, सो दैट्स वन थिंग। उसके बाद है एक सर 3:30 तक क्लास हो जाया करेगी, हाँ अपनी 2 घंटे की क्लास होती है, तो 1:30 से अपना स्टार्ट करने का टारगेट था, तो प्रोबेबली 3:30 तक हो जाएगी। और अगर मैं जैसे लेट शुरू कर रहा हूँ तो फिर थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे। सर पेन डार्क कीजिए, वो दे दिया मैंने मार्कर, अभी हो जाएगा। उसके बाद है सर इन द फर्स्ट क्लास विच चैप्टर यू विल स्टार्ट, आई वॉन्ट री स्टार्ट द एंटायर कोर्स अगेन, जो हमने पीछे डेमो किया कंसिडर इट डन, कि वो वही है कंटेंट। ओके, तो आप वो अगर आपने मिस कर दिया है यू कैन गो ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी वो वीडियोज हमने डाल रखे हैं एज अ डेमो पार्ट, तो आप वो देख लो और यू कैन रिज्यूम आफ्टरवर्ड्स। फिर है सर क्वेश्चन पर पक्का दिखाकर किया कीजिए, पक्का क्वेश्चंस का आइडिया आ जाता है, हाँ क्वेश्चन हम करेंगे ना, एक बार टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे फिर क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट टॉपिक फिर क्वेश्चंस, तो हमारे पिछले 2 क्लास में काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया, इसलिए आज हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर है सर नोट्स मिलेगा, नहीं नोट्स नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा, सेल्फ मेड सर आप जो, और हाँ वो चीज़ें मिल सकती हैं जो रट्टा मारने की हैं, जैसे अगर मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि कुछ वेक्टर्स 20 वेक्टर्स की लिस्ट है जो याद करनी है, तो हम उसका क्या करेंगे, सीधा पीडीएफ आपको दे सकते हैं पर कंप्लीट लिस्ट की, ये लिस्ट है याद कर लो, अदरवाइज कंसेप्ट का कोई नोट्स नहीं होता है, तो कंसेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा। फिर है वीडियो नॉट क्लियर, स्क्रीन पर दिखाकर यू मीन क्वेश्चन, हाँ तो अगली क्लास में हम वो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा देंगे। एसएससी के व्यू से पूरा कोर्स करवाइए पूछते हैं, देखिए कोर्स एसएससी से थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, तो अगर एसएससी में लेट से फिजिक्स आती है बेसिक 10th लेवल तक की, तो हम 10th में थोड़ा 20-30% इजाफा भी करेंगे उसमें, तो हल्का सा डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अब उतना इजी क्वेश्चन आने नहीं रहे हैं। मोर ओवर ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, यहाँ पे सीडीएस सीपीएफ के स्टूडेंट्स भी हैं, सो हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, बट दैट वॉन्ट बी एन इशू, कम से कम लेवल लो नहीं रखेंगे, लेवल हाई रखेंगे, तो समझ में अगर आता रहा तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, हेल्पफुल। सो लेट्स कंटिन्यू, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो भी आपका डाउट कोर्स से रिलेटेड है वो आप मैनेजमेंट से जाके पूछिए, आप उनके कस्टमर केयर पे पूछिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो, पहले सही था मेरे लिए, सही था आपने क्या मेरे लिए ब्राइटनेस कम किया बोर्ड पे, ओके ठीक है मुझे दिखेगा, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स कंटिन्यू, सो जो भी आपका डाउट है मैनेजमेंट से, कोर्स से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, वो आप वहाँ पूछिए उनके कॉल पे, मुझसे आप बेसिकली सिर्फ वो डाउट पूछिए जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो मैं आपको ज़्यादा कन्विंसिंग आंसर दूंगा। एक पूछ रहे हैं सर मैम का क्लास कब है, कल है, ओके लेट्स कंटिन्यू। तो पूरा बॉडी हिल रहा है, ओके नेक्स्ट इज फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्वेश्चन में उसने दिया है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी चीज उसने दे रखी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जो वस्तु में त्वरण है वो तो एक समान है और जो वस्तु का वेग है वो असमान है। ओके तो आगे ऑप्शन पढ़ने से पहले पहले मैं यहीं पर एक बार एनालाइज कर देता हूँ ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा उसकी स्पीड है 5, 5, 5, 5, 5, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसकी स्पीड है 5, 10, 15, 20, 25, 30, एक ऑब्जेक्ट ये है जो गोल गोल घूम रहा है
उसकी स्पीड मान लीजिए 5 5 5 5, तो इन तीनों में से कौन सा एग्जांपल है जो इस क्वेश्चन पे सूट कर रहा है। फर्स्ट वाला देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसमें इसमें देखूं तो ये वाली चीज़ तो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि उसकी तो जो वेलोसिटी हो 5 5 5 कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ये ऑप्शन तो वहीं कट गया। इसमें देखते हैं ये वाली चीज़ अप्लाई होगी क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या उसका वेग बार बार बदल रहा है? हाँ, कभी 5 है, कभी 10 है, कभी 15 है, तो ये जो उसकी स्पीड बदल रही है तो वेलोसिटी तो बदल ही रही है, तो फर्स्ट वाली चीज़ तो इस पे अप्लाई हो गई। सेकंड वाली चीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, तो यहाँ से यहाँ तक 5 का चेंज है, यहाँ से यहाँ तक 5 का चेंज है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड में 5 का चेंज है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, यानी ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट इस पे अप्लाई हो रही हैं। तो अभी तक आगे जो 4 मैं पढ़ूंगा वो हम इस चीज़ पे तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि ये वाली चीज़ अप्लाई हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल हो रही है, स्पीड सेम है पर वेलोसिटी तो सेम नहीं है, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और होती है, यहाँ पर कुछ और होती है, यहाँ पर कुछ और होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू दिस थिंग। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या इसमें? नहीं है, मैंने बताया था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, और एक्सेलरेशन की भी चूंकि यहाँ पर दिशा बदल रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा है, तो ये थर्ड वाला भी अपना अप्लाई नहीं होगा। यानी अभी तक मुझे ये पता चल गया कि क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वो ये है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं उसने वो देखता है, पूछना क्या चाहता है वो। वो कहता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लिनियर। ओके, ग्राफ, चलो टाइम ग्राफ इस चीज का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का मैंने बनाया था ये, और ऑप्शन में वो बोल रहा है क्या ये लीनियर है, लीनियर का मतलब है क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वो बोलता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, तो हमने तो ग्राफ ये बनाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, नॉन लीनियर का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन अभी तक अपना सही चल रहा है, ए ऑप्शन अपना गलत हो गया था। ऑप्शन सी देखते हैं इसने क्या बोला हुआ है। ऑप्शन सी कहता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनेगा क्या, मैंने बताया था जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपना ये रहता है। ओके, तो इसने बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लिनियर, यानी क्वेश्चन बोलता है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जबकि वो तो गलत बोल दिया, एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन तो ये है ही, तो ये ऑप्शन सी अपना गलत हो गया। और ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन डी है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लिनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लिनियर, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, यानी अपना ये ऑप्शन जो डी है ये भी करेक्ट हो गया। नाउ दिस इज वन सच केस जहां पे एसएससी ने गंदा क्वेश्चन बनाया है। गंदा क्वेश्चन का मेरा मतलब ये है कि उन्होंने बिना सोचे समझे दो ऑप्शन ऐसे दे दिए जो करेक्ट हैं और दो ऐसे दे दिए जो गलत है। अब ऐसे में जो सही आंसर है वो है बोथ बी एंड डी, करेक्ट आंसर तो यही है, पर फिर ऑब्वियसली आप दो दो पे गोला तो भर नहीं सकते, वहां पे कंप्यूटर में जब आप क्लिक ऑनलाइन एग्जाम हो दो दो पे तो क्लिक नहीं कर सकते, तो चूज ईदर ऑफ देम, और जब बाद में एसएससी अपना निकाल उसकी आंसर की निकालती है, सो दे अलाउ यू टू क्लेम कि आपने उनका आंसर गलत और अपना आंसर सही के फेवर में आप अपना आर्ग्यूमेंट रखें, सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके, एसएससी इज नोटोरियस फॉर मेकिंग सच मिस्टेक्स, दिस इज वन सच मिस्टेक, सो बोथ बी एंड डी आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, सो आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, कि मैं अपने मनमर्जी से मैं क्वेश्चन बना के लाता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे तीन ही ऑप्शन गलत और एक ही सही रखता, पर एसएससी ने ऐसा दिया है, सो आई हैव टू जस्ट प्रेजेंट एज इट इज, जैसा क्वेश्चन आया वैसा का वैसा। लिनियर मीन्स का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइन, लाइन शब्द से आया है लिनियर, तो लिनियर का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो वेन एवर क्वेश्चन से इसकी लिनियर है तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो क्या फर्स्ट लाइन स्ट्रेट लाइन लग रही है? नहीं, तो गलत हो गया, नॉन लिनियर का मतलब स्ट्रेट नहीं है, ये सही हो गया। ओके, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, करण पूछते हैं सर साउंड ब्रेक हो रहा है, होल्ड ऑन, अभी यहाँ पर मैनेजमेंट है नहीं आएंगे, सो आई लेट देम नो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, जस्ट मैटर ऑफ मिनट्स। ओके, भूपेंद्र के 872@gmail.com पूछते हैं बुक कौन सी परचेज करें। सर आप पिछले मेरे जो दो वीडियोस हैं एक बार उनमें देखें, एक्चुअली जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने बुक्स के बारे में बताया, बुक्स, यूट्यूब चैनल्स, प्रैक्टिस वाली वगैरह वगैरह, तो आप वो देख लीजिए, यू विल गेट टू नो।
अर्जुन बोलते हैं सर एक बार फिर से ऑप्शन बताइए। ओके ऑप्शन, मैं क्वेश्चन पूरा बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और फिर चार ऑप्शन उसने दे दिए। पहला ऑप्शन देखता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी विस्थापन समय, उसका ग्राफ है वो लीनियर है। पहला ऑप्शन ऐसे बोलता है। सेकंड बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। थर्ड बोलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। फोर्थ बोलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर। ये उसने चार ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ते ये देखूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम्पल पर अप्लाई होगा। इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं चल रही है। यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ना तो वेलोसिटी वेग यूनिफॉर्म है, लगातार स्पीड उसकी बढ़ रही है, और ना ही यहाँ पर उसका त्वरण एक समान है। सॉरी, त्वरण उसका वहाँ पर एक समान है ही, जो सेकंड में उसने बोला है तो 5 5 5 5 है उसका त्वरण, का मतलब हर सेकंड में स्पीड में कितना पिकअप हुआ था वो। ओके, यहाँ देखते हैं इस चीज़ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो अप्लाई होती है कि वेलोसिटी यानी वेग उसका एक समान नहीं है, वो बार बार बदल रहा है क्योंकि सर्कल में डायरेक्शन बदलती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि सर्कल में एक्सेलरेशन भी बदलती है। ओके, तो ऐसे में मैंने पहले तो ये शॉर्टलिस्ट कर लिया कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, हमारा क्वेश्चन इस पे चलेगा। और ऐसी सिचुएशन के लिए ग्राफ कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले ही पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और टाइम यानी समय के बीच में ग्राफ हमेशा इस तरह से जाता है, इस तरह से। सो ये दोनों एक ही ग्राफ मैंने बना दिए। तो ये लीनियर क्या नॉन लीनियर है? हाँ, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे में क्या ये नॉन लीनियर है, यानी क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? तो ऑप्शन गलत दे दिया। क्या ये लीनियर है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ वो लीनियर है, तो वहाँ पे अपना वो सही हो गया। ओके, सो दैट्स वन सिंपल क्वेश्चन। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं। सर बुक खरीदना जरूरी है या आपका ही क्लास से होगा? क्लास से हो जाएगा, बुक्स इसलिए होती है कि अगर आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज वगैरह करना है या आपको खुद बैठ के पढ़ना है, सो इन दैट केस आप पूरे 40 50 घंटे का वीडियो नहीं देख सकते हैं। सो बुक उठाइए, उसमें जगह जगह अपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लग रही है वो मार्क कीजिए। तो बुक और टीचर आर कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो आप उन दोनों को इक्वेलेंट नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, ज़रूरी तो पढ़ना भी नहीं है, पेपर देना भी ज़रूरी नहीं है, पर वो आपकी सहूलियत है। तो मेरे हिसाब से बुक लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद नीरज बोलते हैं सर ग्राफ नहीं समझ में आए हैं। एक्चुअली फिर आपको पिछला एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। आई डिड इट विथ वेरी स्लो पेस। आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ग्राफ पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, इसलिए मैं इसके ऊपर पूरा फोकस ज़्यादा नहीं करूँगा पूरे ग्राफ पे। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर भी अगर उस वीडियो में से कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए कि कौन सा इंस्टेंट है जो मुझे रिपीट करना है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर हमने पूरा आधा पौना घंटा लगाया था, तो उसमें पूरा पौना घंटा मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम बर्बादी है। तो गो थ्रू दैट, आप वीडियो देखो, उसमें से जो इंस्टेंट है समझ में नहीं आया वो मुझे आप बताइए और मैं आपको आपके पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर अमृत पूछते हैं सर क्वेश्चन क्या है? अरे क्वेश्चन भाई मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और उसके बाद बोला है चार ऑप्शन। क्वेश्चन मैं वर्ड बाय वर्ड बोल रहा हूँ, सुनना एक बार। फॉर ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और स्टेटमेंट यहीं बंद हो गई, फिर ऑप्शन शुरू हो गए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर। अभी चार ऑप्शन दे दिए। सो आई डोंट थिंक मैंने यहाँ जो बोला और वहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने रीड किया उसमें कोई डिफरेंस है, सो दैट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, आशीष बोलते हैं सर थोड़ा सा ग्राफ रिवाइज करा दीजिए। ओके, वी कैन स्पेंड 5 मिनट्स, एक बार जल्दी जल्दी शॉर्ट में आपको ग्राफ रिवाइज करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कराने से पहले ही एक बार मैं 5 मिनट ग्राफ के लिए दे देता हूँ। ओके, ये सब कुछ रिकिटी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ओके, सो फॉर द स्टूडेंट्स,
जो बोल रहे हैं कि एक बार ग्राफ रिवाइज करा दो, सो लेट्स गिव 2-3 मिनट्स ऑन दैट। ओके, देखिए हमारे पास बेसिकली जब भी किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है तो उसमें किसी भी तरह का आपको ग्राफ दिया जा सकता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे दिया, या फिर वाई और एक्स के बीच में मान लीजिए मैंने एक ग्राफ ये बना दिया, अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है भी नहीं। ओके, और ऐसे में अगर कभी भी कोई ऐसी चीज़ पूछता है जो वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करके निकाली जाए, ऐसी कोई भी चीज़ अगर पूछे जिसमें वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ऐसे में आप हमेशा एरिया निकालेंगे। अगर ये ग्राफ यहाँ बंद हो गया तो इतना एरिया मेरा वो आंसर होगा जो वाई और एक्स के मल्टीप्लाई से आता है, ऐसे यहाँ पर इतना एरिया वो आंसर होगा जो वाई और एक्स के मल्टीप्लाई से आता है। तो ग्राफ कैसा होगा वो आपको ग्राफ बता देगा, लेकिन अगर कभी कोई चीज़ ऐसी निकालनी है जो वाई को एक्स से डिवाइड करके आती है, तो आप टेंजेंट थीटा निकालेंगे, जिसे हम स्लोप ढलान। ओके, और टेन थीटा, उसमें वो थीटा क्या चीज़ है, थीटा वो एंगल है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। जैसे अगर मुझे कोई बोले कि इस पॉइंट पर स्लोप बताइए, या फिर कोई बोले कि इस पॉइंट पर स्लोप बताइए, या कोई बोले कि इस पॉइंट पर स्लोप बताइए, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीन अलग अलग पॉइंट के ऊपर मैं स्लोप निकाल रहा हूँ। मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो वाई को एक्स से डिवाइड करके आए। तो जिस भी पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है, मैं वहाँ पर एक लाइन लगा दूंगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और मैं वो एंगल देख लूंगा, वो एंगल है आपका थीटा, और आप उसका टेन थीटा ले लीजिए, वो आपका आंसर है। बी पॉइंट पर देखना है तो वहाँ पर एक लाइन लगा दूंगा और मैं एंगल देख लूंगा थीटा। ऐसी सी पर देखना है तो मैं एक लाइन लगा दूंगा और मैं एंगल देख लूंगा थीटा। ओके, तो जो भी थीटा की वैल्यू आपकी होगी उसका टेंजेंट आप निकाल लें और वही आपका स्लोप होगा। ऐसे यहाँ पर अगर कोई मुझे बोले कि इस पॉइंट पर स्लोप बताओ और इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, तो जहाँ भी मुझे स्लोप निकालना है, वो इसको अच्छे से बनाता हूँ, जहाँ भी मुझे स्लोप निकालना है वहाँ एक टेंजेंट लाइन होगी। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वही मेरा एंगल थीटा है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वो थीटा आप यहाँ डाल दें और उसका टेंजेंट थीटा निकाल लें। इसी तरह से अगर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर पहले मैं देखूंगा टेंजेंट क्या है स्पर्श रेखा, एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाती है, वो थीटा निकाल ले और थीटा की वैल्यू यहाँ डाल के उसका टेंजेंट कर दें। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग कि आपको टेंजेंट वगैरह निकालना कैसे है। फिर जो मोशन के चैप्टर से रिलेटेड ग्राफ थे, मोशन के चैप्टर से रिलेटेड जो लिमिटेड ग्राफ थे वो बता देता हूँ मैं एक बार। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म, या फिर अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो इन्हीं तीन के सिचुएशन के हमने ग्राफ बनाए थे, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्स और वाई एक्स। तो नौ ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9। डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी विस्थापन और समय के बीच में, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। और मैं यहाँ पर सिर्फ उनकी वैल्यू ले रहा हूँ, यानी फिलहाल मैं उसको वेक्टर फॉर्म इग्नोर कर रहा हूँ। ये बोलने का दूसरा मतलब ये है कि इसको फिलहाल मैं वेलोसिटी की जगह स्पीड ले रहा हूँ, तो स्पीड टाइम ग्राफ मान लीजिए अभी तक के लिए इसको, ना कि वेलोसिटी टाइम। तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो है जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ना बढ़ाए ना घटाए और सेम स्पीड से चलता रहे। तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट होगा और हॉरिजॉन्टल होगा लेकिन उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। तो ये तीन ग्राफ हमें याद रखने हैं। सेकंड है एक्सेलरेशन जब हो रही हो, जब त्वरण हो रहा हो, इसका मतलब पिकअप हो रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि काफ़ी नीचे पहुंच गए सर, फिगर नहीं दिख रहा है, नीचे फिगर दिख नहीं रहा है, तो बिल्कुल नीचे नीचे वाला मैं साइड में बना देता हूँ बस।
ओके तो जस्ट नीचे जो एक्सेलरेशन के ग्राफ्स हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन वाले ग्राफ्स, वो मैं आगे इधर बना देता हूँ। तो ये है पहला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये है दूसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ त्वरण और समय के बीच में, और ये तीसरा है त्वरण और समय के बीच में ग्राफ। ओके सो दो पहला है यूनिफॉर्म मोशन वाला, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी लेकिन वो ज़ीरो रहेगी और वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जाएगा। तो अब मैं सेकंड पे आ रहा था एक्सेलरेटेड मोशन, जब त्वरण हो रहा है, जब पिकअप हो रहा है, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा, कर्व करते हुए ऊपर जाएगा, उसे हम बोलते हैं पैराबोला, हिंदी में हम उसे बोलते हैं परवलय। जो स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ होगा उसमें स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगी, और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है त्वरण और समय के बीच में जो ग्राफ है वो फिर से स्ट्रेट लाइन रहेगा लेकिन यहाँ की तरह उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो अनलाइक दिस वो कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू लेकर रखेगा। आखिरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कोई वस्तु है वो रुकी हुई है, वो चल ही नहीं रही है। जैसे वो मेरे सामने मान लीजिए कोई फ्रिज रखा हुआ है, वो फ्रिज कोने में रखा है कई सालों से, तो उसके लिए ग्राफ क्या बनेगा? उसकी दूरी और समय के बीच में ग्राफ ये रहेगा, यानी कांस्टेंट दूरी ही रहेगी उसकी, वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं रहा। स्पीड और टाइम, उसकी स्पीड हमेशा ज़ीरो रहे, उसकी स्पीड नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं आ सकती, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसकी भी यहाँ पर ज़ीरो ही रहेगी। तो ये अपने कुछ ग्राफ थे। ओके अब ये ग्राफ की वैल्यू आपको याद करनी है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि इस ग्राफ में जो भी स्लोप होगा, स्लोप का मतलब यहाँ भी अभी मैंने बताया है कि एक एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाता है, वो एंगल निकालो और फिर उसका टेंजेंट ले लो। ओके तो जो भी इस ग्राफ में स्लोप निकलेगा वो हमें इस चीज़ की वैल्यू देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ओके तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से हमें वेलोसिटी मिल सकती है और वेलोसिटी टाइम से हमें एक्सेलरेशन मिल सकती है, तो उसका स्लोप ये देगा, इसका स्लोप वो देगा। ओके एक ये चीज़ है। ऐसे ही यहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप ये होता है और उसका स्लोप फिर अगले वाली एक्सेलरेशन होती है। इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ओके तो एक ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, तो आई बिलीव ये 5 मिनट में उसकी समरी मैंने रिपीट कर दिया है, पूरी डिटेल में नहीं बताया है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को हल्का सा ऊपर से गया हो, पर डिटेल मैं आखिरी क्लास में करा चुका हूँ, सो आई बिलीव कि वो दोबारा कराने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है सो प्लीज़ गो ऑनलाइन वॉच द वीडियो और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके रजत बोलते हैं सर 26 फरवरी को कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? कल मैम आएंगी, केमिस्ट्री या बायो में से कोई एक सब्जेक्ट वो शुरू करेंगी, और अभी अगले 4 मार्च तक मैम का ही टॉपिक कंटिन्यू रहेंगे। तब वो केमिस्ट्री या बायो में से कौन सा कराएंगी उसका मुझे पता नहीं, पर फिजिक्स नहीं होगा क्योंकि मैं उस टाइम तक अवेलेबल नहीं हूँ। ओके सो आई विल बी बैक ऑन 4th, उसके बाद आके फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज जहाँ पर अपनी क्लास ख़त्म होगी वहाँ से हम रिज्यूम करेंगे 4 मार्च को, बीच में पॉसिबली 3 दिन केमिस्ट्री होगी और 3 दिन शायद आपकी बायो होगी। मनीष पूछते हैं जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह कितने गुनी अधिक दूरी तय करेगी? प्लीज़ सर क्लियर कर दें, RBCV2 में 4 गुना दिया है, 4 गुना ही होगा, और यह क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, पर एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है आइए इसको मिटा देता हूँ। तो ये जो मनीष ने क्वेश्चन पूछा है ये देख लेते हैं। देखिए तो एक ये हमारे पास इक्वेशन थी v2² - v1² = 2as, जहां पर v2 का मतलब है फाइनली किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हुई, v1 का मतलब है उसकी स्पीड पहले कितनी थी, a का मतलब है हर सेकंड उसकी स्पीड में चेंज कितना हुआ, और s का मतलब है वो कितनी दूर जाके, वो जो मेजरमेंट हमने की वो कितने मीटर की थी, तो सेपरेशन उन दो पॉइंट्स के बीच में कितना था कि उसकी स्पीड V1 से V2 जब तक बनी उतनी देर में वो गाड़ी कितने मीटर भाग गई, तो वो है अपना S। ओके तो अब यहाँ पर
क्वेश्चन बोलता है कि जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय, रोकने का मतलब यह है कि फाइनली वो गाड़ी रुकेगी। ओके, तो मैंने एक गाड़ी यहाँ बनाई, एक गाड़ी यहाँ बनाई, पहले गाड़ी 5 की स्पीड से चल रही थी और ये यहाँ जाके रुकी। अब अगर ये गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है तो ये कितने गुना दूर जाके रुकेगी? सवाल बस ये है, गिवन दैट कि अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, कि अगर ये जो त्वरण है ये एक समान हो तो कितनी दूर जाके रुकेगी। तो पहले तो मैं इसको बिना फॉर्मूले के एक बार लॉजिक से करके देखता हूँ। मान लीजिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हर सेकंड मैं इसकी स्पीड को 1 का चेंज कराऊंगा, तो 1 का चेंज कर रहा हूँ हर सेकंड। तो यहाँ पे इसकी स्पीड है 5, फिर इसकी स्पीड हो गई है मान लीजिए 4, फिर स्पीड हो गई 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। फाइनली मुझे उसको रोकना है तो 0। ऐसे यहाँ पे उसकी स्पीड है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फाइनली उसकी स्पीड हो गई 0। और यहाँ हर सेकंड एक एक का चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड के अंदर आप कितने मीटर पर सेकंड का चेंज कर रहे हो। तो 5 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड उसकी चेंज हुई है स्पीड टोटल 5 सेकंड के अंदर। यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड हो गई है और वो चेंज करने में समय लगा है 10 सेकंड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है निकाल लेता हूँ मैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले एवरेज स्पीड ले लो, 5 और 0 का एवरेज 2.5, और फिर उसको टाइम से गुणा कर दो। तो 5 से गुणा कर दिया मैंने तो ये हो गया 12.5 मीटर। ठीक है, वो जो भी आया मान लिया मैंने, चलो चलने दो। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वो कितना दूरी तय करके गया है। अभी मैं ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा उससे और जल्दी हो जाता, पर मैं एक बार बेसिक से फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देख रहा हूँ। तो 10 से 0 तक उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई है? 10 और 0 का एवरेज 5 मल्टीप्लाई बाय कितने मीटर, कितने सेकंड का वक्त था? तो 10 सेकंड का, तो कुल मिला के 50 मीटर। तो 12.5 मीटर, अगर वो 50 मीटर हो गया है तो ऑब्वियसली वो 4 गुना हुआ है, तो आंसर तो मेरा है 4 गुना। पर मैं ऐसे कर करके अगर पेपर में करूंगा तो मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ। जल्दी करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फाइनल स्पीड है V2, वो मेरी 0 है, तो V2 मेरा 0 है, तो एक तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। V1 यहाँ पर 5 है और V1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, यानी V1 दोनों सिचुएशन में अलग अलग है। तो पहले V1 जितना भी था सेकंड सिचुएशन में उसका डबल हो गया है, कोई बात नहीं। A दोनों सिचुएशन में सेम है, 2 दोनों सिचुएशन में सेम है, और ऐसे में जब भी क्वेश्चन करें तो आप ऐसे मान लिया करो कि जो भी वैल्यू कांस्टेंट है तो अज्यूम कर लो कि वो फॉर्मूले में है ही नहीं, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं रही तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो जो चेंज ही नहीं हो रही है उसको इग्नोर मार देता हूँ मैं। तो एक्सेलरेशन भी नहीं बदला, 2 की वैल्यू भी कभी बदलती नहीं, तो ये वैल्यू जैसे है ही नहीं फॉर्मूले में, ऐसे ही मान लो। ओके, वो ए वैसे नेगेटिव था तो इस ये माइनस भी कभी बदलेगा नहीं, इस माइनस को मैं -1 लिख सकता हूँ, कभी चेंज होगी नहीं, तो इसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। जो चेंज हो सकता है मैंने वो रख लिया। एक तो स्पीड चेंज हो गई है, पहले 5 थी अब 10 है। एक दूरी बदल गई है, पहले कुछ मीटर गया था अब कुछ मीटर गया है, तो मैंने मान लिया इतना ही है फॉर्मूला। अब देख लो, अगर ये दुगना करता हूँ तो ये 4 गुना होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो डायरेक्ट तरीका ही ये होता है कि कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जो जो दिए हैं इग्नोर कर दो उन सबको, वो गए भाड़ में, उनकी वैल्यू कुछ भी हो इग्नोर, बाकी जो बच गया सिर्फ उन उनको सोच लो कि एक इतना सही है फॉर्मूला और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है, सर नोट्स कब तक मिलेंगे? भाई नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों के मिल सकते हैं, जो रटने वाली चीज़ें हैं। अगर मैं आपको साइंटिस्टों के नाम और उनकी डिस्कवरी इन्वेंशन लिखूंगा उसका हो सकता है मैं आपको बोल दूं कि बोर्ड पे करना है, टाइम वेस्ट, PDF अपलोड कर देंगे, डाउनलोड कर लो। इसी तरह अगर मैं मान लीजिए आपको यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन की लिस्ट लिखवाऊँ तो वो भी है टाइम वेस्ट, उसकी जगह मैं कह दूंगा कि इसका हम PDF अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लो। लेकिन अदरवाइज बाकी सब कुछ आपको साथ साथ अपने नोटबुक पे लिखना है, अपने नोट खुद बनाने हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, रट्टा मत मारना फिजिक्स को, फिजिक्स को समझना। ओके, तो नोट्स आपको अपने खुद का परसेप्शन इस्तेमाल करके करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, मैं ये लिख लेता हूँ। आप में से बहुत हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ पहले से आती हो तो वो उसको मत लिखें। तो नोट्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ओके, मार्केट में किताबें 1000 हैं, नोट तो किसी के भी ले लो। ठीक है, मनीष पूछते हैं सर कितना गुना अधिक है ना कि कितना गुना, कितना गुना अधिक और कितना गुना दोनों में फर्क है।
जैसे मान लीजिए मेरी कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 से 150 हो गई है, कि कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपये का था, मैंने उसको बाद में प्राइस बढ़ा के 150 कर दिया। तो अगर कोई पूछता है कि ये ऑब्जेक्ट हाउ मच टाइम्स, ये कितने गुना हो गया है, अगर कोई ऐसे बोले तो मैं कहूँगा कि ये 1.5 टाइम्स हो गया है, कि पहले से 1.5 गुना हो गया है। लेकिन अगर कोई पूछे हाउ मच टाइम्स मोर, ये कितने गुना ज़्यादा है, तो 100 टाइम तो वो पहले ही था, उसका 50 टाइम और आगे बढ़ गया है, यानी 100% था, उसका 50% बढ़ गया है, तो 0.5 टाइम्स मोर है। तो अब अगर यहाँ पे वो कितने टाइम्स मोर पूछे, तो 5.5 से 50 हुआ है, 4 गुना, बढ़ा है 3 गुना, तो फिर 3 गुना आपका आंसर होगा। ओके, फिर है पंकज पूछता है, सर बेसिक से बताइए, एनटीपीसी निकालना है, एनटीपीसी में जो आएंगे वो इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इससे नीचे ही आएगा, और इससे और ज़्यादा बेसिक मैं ले जा नहीं सकता, कि अगर और ज़्यादा बेसिक करूँगा तो मुझे फिर फर्स्ट क्लास से पढ़ाना पड़ेगा आपको, कि आइए आज देखते हैं कि ABCD क्या होती है, और नीचे अगर आप कर रहे हैं तो पॉसिबली ये एग्ज़ाम आपके लिए है नहीं। ओके, यानी मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ फिर उससे नीचे, दैट्स बैड ऑन माई पार्ट। वेक्टर पढ़ाया जाएगा, हाँ वेक्टर स्केलर में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, नन ऑफ यू शुड अज्यूम कि हम गुट्टी पिला देंगे, बायोकेमिस्ट्री वाले करते होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले करते होंगे, फिजिक्स इज़ अ मैथमेटिक्स, मैं आपको कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं, अगर आप ट्रिक्स के लिए आए हैं तो पॉसिबली आप गलत जगह पर हैं, आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ मैं, समझने आपकी जिम्मेदारी है और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सो बी एन अटेंटिव लर्नर। ओके सर, RRB में ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? कुछ भी आ सकता है, आजकल तो सारे पेपर सब एक जैसे ही है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सर SSC के लिए क्या पढ़े, तो मैंने कुछ बता दिया, सर अब CDS के लिए क्या पढ़े, तो फिर मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा बता दिया, और सर अब हरियाणा PCS के लिए क्या पढ़ूँ, तो पॉइंट ये है कि सारे एग्ज़ाम्स में एक ही चीज़ आती है, इट्स ओनली मार्केटिंग स्टाइल, बाहर अगर जब भी आपको भी किताबें वगैरह मिलती है, कोई पब्लिशर बुक निकाल रहा है कि ये स्टेट PCS की ये इसकी है ये इसकी है ये इसकी है, तो वो ना सिर्फ मार्केटिंग कर रहे होते हैं, रियलिटी में फिजिक्स फिजिक्स ही रहती है, हिस्ट्री का हिस्ट्री रहता है, जो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है वो हो सकता है एग्ज़ाम स्पेसिफिक, जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कि राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हो तो राजस्थान से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो तो हरियाणा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, NTPC वाले इंडिया से बाहर तो क्वेश्चन नहीं लाएंगे, फिजिक्स तो USA में भी वही है और इंडिया में भी वही है, तो फिजिक्स फिजिक्स ही है, डजेंट मैटर लेवल कितना हाई है, वो थोड़ा सा मैटर कर सकता है, कि IIT फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, पर मैं आप लोगों को इतना करा दूंगा जो सारे एग्जाम के लिए कॉमन है। ओके, फिर उसके बाद लाखन पूछते हैं, सर कमेंट रिप्लाई नहीं आ रहा है, लाखन आपका कमेंट स्क्रॉल डाउन होकर शायद नीचे चला गया होगा, तो आप प्लीज़ दोबारा क्वेश्चन भेज दीजिए। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, इसके बाद है अ मैन स्टैंडिंग ऑन एन एज ऑफ ए क्लिफ, ठीक है क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले, मैं बाद में कराऊंगा, इसको मिटा रहा हूँ भाई, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन प्लीज़ प्लीज़ वही क्वेश्चन पूछो जो अभी बोर्ड पे चल रहे टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस पहले पिछली 2 क्लासेस में पूछे पूछे जा चुके हैं, तो उनके आंसर्स मैं पहले दे चुका हूँ, सो दैट विल बी टू मच रिपीटेटिव, तो उसके लिए आप पिछले 2 वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, सो गो थ्रू दैट। ओके सो अ मैन स्टैंडिंग ऑन एन एज ऑफ ए क्लिफ थ्रोज ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक आदमी ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, ठीक है क्लिफ पे खड़ा है, और उसके हाथ में एक पत्थर है और वो पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकता है, आगे क्वेश्चन बोलता है विद अ सर्टेन स्पीड, चलो सर्टेन स्पीड उसने दी नहीं, मैं 30 मान लेता हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि हमने 30 का एग्जाम्पल किया हुआ है पहले, ही देन थ्रोज अनदर स्टोन डाउनवर्ड्स, फिर वो एक दूसरा पत्थर लेके नीचे फेंकता है, ओके विद द सेम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड, अच्छा तो उसे उतनी ही स्पीड से फेंका है, तो 30 मीटर पर सेकेंड से ही दूसरा नीचे फेंक दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द 2 स्टोन्स व्हेन दे हिट द ग्राउंड, तो ये जो नीचे पत्थर फेंका ये यहाँ पे मान लीजिए टकराया है 70 की स्पीड से, तो जो ऊपर पत्थर फेंका वो वापस मान लीजिए नीचे ज़मीन पर टकरा है 70 की स्पीड से, तो पूछता है कि फाइनली उन दोनों के टकराने की जो स्पीड है
उनका अनुपात क्या होगा? तो 70 और 70 का रेशियो पूछ रहा है, तो 1:1 सिंपल है। अब हो सकता है आप में से जो स्टूडेंट्स आज पहली बार ही ये डेमो देख रहे हों वो पूछ रहे होंगे 70-70 कैसे आ गया, दोनों का 70 हुआ कैसे। तो लास्ट क्लास में मैं आपको ये एग्जांपल करा चुका हूँ जहाँ मैंने बोला था कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में फेंकते हैं लेकिन स्टार्टिंग स्पीड सेम हो तो फाइनल स्पीड सेम होती है। इन दोनों की स्टार्टिंग स्पीड सेम है तो फाइनल स्पीड सेम आएगी। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि अगर सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फेंके जाएँ लेकिन स्टार्टिंग स्पीड अलग अलग हो तो फाइनल स्पीड अलग अलग आएगी। यहाँ पर सबका टाइम सेम होगा, यहाँ पर सबका टाइम डिफरेंट होगा। सो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कोई ग्राफ है मान लीजिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस ग्राफ में जो स्लोप है ये स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप क्या होता है, ये थीटा, इसका टेंजेंट, तो टेंजेंट थीटा जो भी होगा वही अपना स्लोप यानी उसकी ढाल होगी। और टेंजेंट थीटा हम तब निकालते हैं जब परपेंडिकुलर अपन बेस यानी वी बाई टी करते हैं, तो वी बाई टी अपना एक्सेलरेशन होगा, तो इसमें अपना एक्सेलरेशन आंसर है। ओके ओके, फिर एक लाखन पूछते हैं सिलेबस इसका सारा कंटेंट बता दो। पूरा सिलेबस का सीक्वेंस मैंने ये बता दिया था पिछली क्लास में, पिछली से भी पिछली में। ओके सो लास्ट टू लास्ट टाइम हम वो सिलेबस कवर कर चुके हैं, आपको फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में समरी बता देता हूँ कि हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा 11th-12th का सिलेबस है। ओके तो मतलब 11th-12th के चैप्टर्स हैं, डिटेल उतनी नहीं करेंगे जितनी 11th-12th के स्कूल में होती हैं। तो 11th-12th के जो NCERT के चैप्टर्स का सीक्वेंस है अपना सीक्वेंस मोटे तौर पर वही रहेगा, पर डिटेल्स 11th-12th से थोड़ी कम होंगी और 10th से थोड़ी हाई होंगी। सो एक बीच का मिश्रण हमें निकलना होगा। ओके और जो 11th में टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास देखते हैं, मूवमेंट, चीज़ों का घूमना, प्लैनेट्स, ग्रेविटी, हीट और वाइब्रेशन, साउंड, तो वो वाली चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में आप देख सकते हैं। मोटे तौर पे वो सारी क्लासिकल फिजिक्स 11th-12th क्लास में आती है। 12th क्लास में NCERTs में टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स के हैं और कुछ उसका प्रीवियस फिजिक्स से हल्का फुल्का कनेक्शन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। तो पिछले 150 साल में जो फिजिक्स डेवलप हुई है करीबन करीबन वो सारी है जो अपनी 12th क्लास में है। और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की वेव थ्योरी और पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, फिर उसमें मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन, तो वो 12th में करेंगे। ओके उसके बाद है मनीष, बार बार बोल रहे हैं वोकैबुलरी स्पेशल बैच टाइमिंग ये हो जाए तो अच्छा होगा, तो प्लीज़ डोंट पुट दिस ओवर हेयर। वो आप उनको बोलिए जो मैनेजमेंट है। ओके यहाँ पर सिर्फ प्लीज़ वो कमेंट करें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हों, अदरवाइज मैं उनको फिर इग्नोर करूँगा। रेलवे NTFPC कवर हो जाएगा सर? हाँ अरे हो जाएगा भाई। देखिए साइंस स्पेशल बनाने का मेन मुद्दा ये था क्योंकि रेलवे में साइंस का परसेंटेज बहुत आता है, तो रेलवे JEE का और NTPC बोथ प्री एंड मेंस, तो उनके लिए अलग से बैच निकाला है। साथ में अब CDS वाले भी इसमें घुस रहे हैं और SSC वाले भी घुस रहे हैं तो हम उनको भी कवर कर रहे हैं, पर ये बैच मेनली बनाया उन्हीं के लिए था क्योंकि NTPC और RRBJEE का पेपर आने वाला है। ओके तो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक पत्थर ऊपर फेंक दिया, ठीक है कोई बात नहीं, व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा तो ये है ज़मीन, ये आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके हाथ में पत्थर है, ऊपर फेंक दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे पत्थर पहुँच गया। तो फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, 30, 20, 10, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर बोलता है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्शन सही होंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बोलता है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, ऑप्शन नंबर 2 एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी, ऑप्शन नंबर 3 वेलोसिटी नीचे होगी, ऑप्शन नंबर 4 वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। ओके ये चार उसने ऑप्शन दे दिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या नीचे है। एक्सेलरेशन की दिशा हमेशा उधर होती है जिस दिशा में उसे कोई फोर्स खींच रहा हो, तो जब ये पत्थर ऊपर जा रहा है इसकी स्पीड कम क्यों हुई है, क्योंकि यकीनन कोई ना कोई फोर्स उसको नीचे खींच ही रहा होगा और फोर्स है धरती की ग्रेविटी। तो वो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, एक्सेलरेशन तो नीचे ही होती है, तो उसको ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है।
वो तो किसी भी पॉइंट पे पूछ लेता तो भी मैं फर्स्ट ऑप्शन तो टिक कर ही देता, ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, गलत, क्योंकि ऐसा कोई फोर्स तो है नहीं जो इसको ऊपर धक्का मार रहा हो। मेरे हाथ से जिस समय पत्थर निकला था उस कुछ सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स तक ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन थी, ये सच्ची बात है कि जब तक वो पत्थर मेरे हाथ में था। पर मान लीजिए ये पत्थर है और ये मेरा हाथ है, तो मैंने ऐसे उसे फेंका, तो जब तक हाथ से टच है तब तक ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। जैसे ही कॉन्टैक्ट खत्म हुआ उसी पॉइंट पे जहाँ हल्का सा भी कॉन्टैक्ट मेरा और पत्थर का खत्म हुआ, वहीं से उस पत्थर के ऊपर मेरे हाथ से लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। और ये कैलकुलेशन उस पॉइंट के बाद शुरू होती है। तो ये जो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड जब हम शुरू में लिखते हैं, ये मैं उस पॉइंट के बाद से लिख रहा हूँ जब पत्थर से मेरा हाथ का कांटेक्ट नहीं रहा है। और अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो पूरे रास्ते मेरा फोर्स तो इस पर नहीं है, इस पर सिर्फ एक ही फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व का। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वो ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, ऊपर फेंकने वाला रास्ते में कोई फोर्स नहीं है। वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड्स, ये गलत है। जब पत्थर ऊपर जा रहा होता है तो वेलोसिटी ऊपर होगी, जब पत्थर नीचे आ रहा होता है तो वेलोसिटी नीचे होगी, क्योंकि वेलोसिटी बताती है कि ऑब्जेक्ट किस दिशा में जा रहा है। पर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ना तो पत्थर ऊपर जा रहा है ना नीचे, और वहां पर उसकी वेलोसिटी अप करो या डाउन करो आपकी इच्छा है। मैंने बोला था नल वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो हो, उस नल वेक्टर की डायरेक्शन आप अपनी आर्बिट्ररी ले सकते हैं, ओके, मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी डाउन है या वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों ही टेक्निकली एक्सेप्टेबल हैं, पर दो आंसर्स करेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसी पर टिक मारूंगा। क्योंकि अगर कोई ऐसे बोल दे कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे टेढ़ी है, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो डाउनवर्ड ही माना जाए। वो डाउनवर्ड लेंगे अलाउड है, पर सिर्फ डाउनवर्ड लेंगे ऐसा कोई रूल नहीं है। नल वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट्स दिस। ठीक है, देखो भाई, तो क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। बोलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय, ये इक्वेशन दे रखी है, वाई इज इक्वल टू एम टी प्लस सी, ऐसी इक्वेशन दे रखी है उसने। देन द पार्टिकल मूविंग विद, तो चार उसने ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन स्पीड, कौन वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिंग एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ है। पहले एक बार अपनी तीन इक्वेशन लिखते हैं मोशन की। तो वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस ए टी, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और एस इज इक्वल टू वी वन टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन इन तीन में से कौन सी से मैच कर रही है? इसको मैं थोड़ा सा हेर फेर करके ऐसे कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम टी, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है जहां पर वाई हो मेरा वी टू, सी की वैल्यू हो वी वन, एम की वैल्यू हो ए और टी की वैल्यू हो टाइम, इस इक्वेशन से मैच कर रही है। और ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लागू हो सकती हैं तीनों की तीनों जब एक्सेलरेशन यानी त्वरण कांस्टेंट हो, एक समान हो। और ऐसे में इसका जो ग्राफ जाता है वो ये जाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अपना ग्राफ ये रहेगा। पिछली क्लास में भी हो चुका था, आज भी इसका एक छोटा सा मैं रिवीजन दे चुका हूँ। तो वेलोसिटी ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये रहता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ये इक्वेशन है तो ऐसे में ग्राफ कैसा होगा? पहला ऑप्शन है कि कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होगा। कांस्टेंट स्पीड तो नहीं है, स्पीड तो अपनी बढ़ रही है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बोलता है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होगा। नहीं, स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी तो पक्का बढ़ेगी, स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, क्योंकि मैंने आपको वेलोसिटी की इक्वेशन लिखवाई थी। वेलोसिटी होती है स्पीड और मूवमेंट की डायरेक्शन, ये था वेलोसिटी यानी वेग, ये थी स्पीड यानी चाल, और ये है वस्तु के चलने की दिशा यानी उसके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो अगर ये और ये इन दोनों में से स्पीड और डायरेक्शन में से एक भी चीज़ बदल गई तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है फाइनली आंसर वो तो बदलेगा ही। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी तो पक्का चेंज हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन जो था कांस्टेंट वेलोसिटी वो भी गलत हो गया।
थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर मैंने देखा एंगल, यहाँ पर मैंने देखा एंगल, यहाँ पर मैंने देखा एंगल, किसी भी पॉइंट पर एंगल बदल नहीं रहा है। इसका मतलब जो टेंजेंट थीटा होगा वो भी तीनों पॉइंट पर सेम होगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगी इस ग्राफ के लिए, तो टेंजेंट थीटा ही एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो टेंजेंट थीटा अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वेरिंग एक्सेलरेशन, यानी बदलता हुआ त्वरण। तो एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है क्योंकि एंगल बदल नहीं रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड सही है। इसके बाद है द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बुलॉक कार्ट, देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक बैलगाड़ी है, उसके जो टायर हैं वो चल रहे हैं, तो उसका मोशन कैसा है? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी इसका मतलब दोलन कर रहा है, एंड रोटेटरी, रोटेटरी यानी घूर्णन कर रहा है। ओके, सेकंड ऑप्शन है ऑसिलेटरी एंड ट्रांसलेटरी, यानी सीधी दिशा में चल रहा है। ओके, तो सीधी दिशा में चल रहा है। ट्रांसलेटरी का मतलब है आगे चलते रहना। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी, घूम रहा है और आगे चल रहा है। फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसलेटरी ओनली, सिर्फ आगे चल रहा है। तो पिछली क्लास में जब मैं आया था, पिछली से भी पिछले फर्स्ट क्लास में जब मैं आया था, तब मैंने सबसे पहले मोशन की टाइप्स बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे सरकता हो तो हम उसे बोलते हैं कि वो ट्रांसलेटरी है। और जैसे कोई पंखा है, ये पंखे की पंखुड़ियां हैं, ओके, और पंखा घूम रहा है, ऐसे हम उसे बोलते हैं वो रोटेटरी है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही चारों तरफ घूमे तो रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति होगी। अब जब कोई ऑब्जेक्ट आगे सरके, जैसे धरती सूरज का चक्कर काट रही है, आगे सरक रही है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है, पर वो आगे सरकनी चाहिए, ना कि खुद के चारों तरफ घूमनी चाहिए, पर सरक रही है, तो हो गया ट्रांसलेटरी। अब इसने पूछा है बैलगाड़ी के टायर्स, तो टायर्स पंखे की तरह घूम भी रहे हैं खुद के चारों तरफ और आगे भी सरक रहे हैं, क्योंकि इसका सेंटर थोड़ी देर बाद आधे किलोमीटर दूर मिलेगा। तो इसमें बोथ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मिलेगा, तो सी ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, तो रोटेशन भी है और आगे ट्रांसलेशन भी है। ओके, इसके बाद है एन एयरक्राफ्ट कैन परफॉर्म एक्रोबेटिक मेनोवर्स इन अ वर्टिकल लूप बिकॉज ऑफ। ठीक है, देखते हैं। तब तक डाउट्स डाउट्स। सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी करवाएं करवाएं ना सर? हाँ, न्यूमेरिकल देखिए, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस आ रहे हैं वो हम करते जाएंगे, उनमें कहीं न्यूमेरिकल होंगे तो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, और फिर है राहुल बोलता है सर ये फिजिक्स की क्लास फिर से होगी कल से? फिर से क्यों होगी? नहीं, फिर से सिर्फ और सिर्फ तब होगी व्हेन मैनेजमेंट आस्क्स मी टू डू सो। बट चूंकि ये पहले जो लेक्चर्स हैं वो मिस होने के बावजूद कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे शुरू के 3-4 लेक्चर्स, सो इट वॉन्ट मैटर मच। तो आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें नितिन ग्रेवाल मेरा नाम, और वहीं पे आपको राकेश यादव पब्लिकेशन का वीडियोस रिसेंटली अपलोडेड दिख जाएंगे, तो आप वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं जिन्होंने मिस कर दिया है। फिर आशीष पूछते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या करें? फिजिक्स यही रहेगी, यही पढ़ लो, इससे अलग कुछ फिजिक्स नहीं आती है। ओके, अब बाकी सब्जेक्ट्स का आई डोंट नो, फिजिक्स का मैं बता सकता हूँ यही रहती है किसी भी एग्जाम में आ जाओ। फिर संदीप बोलता है सर अर्थ की मोशन ट्रांसलेटरी और रोटेटरी बोथ होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। ट्रांसलेटरी अर्थ की तब होगी जब धरती का सूरज के चारों तरफ घूमने का पूछे, रोटेटरी तब होगी जब धरती खुद के चारों तरफ जो 24 घंटे में चक्कर काट रही है वो पूछे। तो जो धरती 365 दिन में करती है वो है ट्रांसलेटरी, और जो धरती 24 घंटे में करती है वो है रोटेटरी। पर इन जनरल पूछे कि धरती में क्या है तो बोथ होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था एन एयरक्राफ्ट कैन परफॉर्म
एक्रोबेटिक मैनेवर्स। अच्छा ये फिर नेक्स्ट चैप्टर से शुरू हो गया है, तो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक खत्म हो गया अपना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं इसमें सर्कुलर मोशन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट काइनेमेटिक्स, सेकंड पार्ट बिगिन हो गया सर्कुलर मोशन। सबसे पहला इसमें अपना टॉपिक है द सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स हिंदी में हम इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। समझते हैं इसको क्या चीज है, ये क्या बला है। देखिए लगभग 350 साल पहले एक साइंटिस्ट था न्यूटन, और न्यूटन ने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपिया, उस बुक का नाम था, सन 1687 में लिखी थी, तो काफ़ी टाइम हो गया किताब लिखे हुए। उस किताब में उसने कुछ रूल दिए हैं, और नॉर्मली लोग बोलते हैं कि न्यूटन ने 3 नियम बनाए, जबकि सच्चाई ये है कि न्यूटन ने 4 नियम बनाए थे, जिनमें से जो पहले 3 हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हम बोलते हैं द लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। और चौथा लॉ भी उसी किताब में लिखा हुआ है, और उसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्व का नियम। तो मोशन के न्यूटन के बनाए हुए 3 हैं, ग्रेविटी का 1 है, कुल मिला के जो किताब प्रिंसिपिया है उसमें न्यूटन के लॉज 4 हैं, तो प्रिंसिपिया उस बुक का नाम है। तो 4 लॉज हैं न्यूटन के। अब जो पहले 3 यानी मोशन वाले लॉज हैं, गति के नियम, तो इसे हम बोलते हैं गति, गति के नियम। उनमें से जो सबसे पहला पहला नियम है, उनमें सबसे पहला, उसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में हम उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। और इस लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में और ज़्यादा डिटेल हम तब करेंगे जब मैं आपको न्यूटन के लॉज पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी मैं न्यूटन के लॉज नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे लॉ ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत है ये सर्कुलर मोशन समझाने के लिए, इसलिए मैंने उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दे दिया है। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो न्यूटन से भी पहले एक प्रिमोर्डियल फॉर्म में दूसरे साइंटिस्ट ने बना दिया था, जिसका नाम था गैलीलियो। तो गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया का लॉ बनाया, न्यूटन ने बाद में उसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में रीफ्रेम करके सुधार के और 2-3 चीज़ें जोड़ के बोला। तो जो काम गैलीलियो ने अधूरा छोड़ा वो काम आगे चल के न्यूटन ने पूरा किया, और साइंस में ऐसे ही चलता है। पीछे वाले साइंटिस्ट कुछ काम करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत करके काम ख़त्म कर देते हैं, आगे आने वाले फिर उस पर कंटिन्यू करते हैं। आज दुनिया में जितनी भी फिजिक्स है, हो सकता है आप में से फ्यूचर में कोई ऐसा हो जो इसके ऊपर और एडवांसमेंट करेगा, और फ्यूचर में ऐसे साइंस आगे प्रोग्रेस करती रहेगी। और मज़े की बात यह है कि जिस साल गैलीलियो की मौत हुई थी उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ था। और ऐसा ही एक और हादसा है, हादसा नहीं एज एन इंसिडेंट है, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, आई डिडंट आई शुडंट हैव यूज द वर्ड हादसा एनीवे, बट एक इंसिडेंट है, एंड दैट इज़ जैसे गैलीलियो का काम आगे न्यूटन ने कंटिन्यू किया, ठीक उसी तरह से मैक्सवेल एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने लाइट के बारे में और लाइट की स्पीड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उनका काम आगे आइंस्टाइन ने कंटिन्यू किया। और जैसे गैलीलियो की डेथ हुई उसी साल न्यूटन पैदा हुआ, वैसे ही मैक्सवेल की डेथ हुई उसी साल आइंस्टाइन पैदा हुआ। बहुत ही सूदिंग ये चीज़ लगती है मुझे, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। एनीवे तो इनर्शिया का जो लॉ गैलीलियो ने बनाया या जो आगे न्यूटन ने बनाया, आगे चल के प्रेजेंटली इसकी जो फॉर्म समझी जाती है वो ये है कि 3 तरह का होता है। एक है जिसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्थिति का जड़त्व। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं गति का जड़त्व। डायरेक्शन बोलते हैं दिशा का जड़त्व। इस सर्कुलर मोशन को समझने के लिए मुझे ये चाहिए द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बाकी दोनों मुझे सर्कुलर मोशन के लिए नहीं चाहिए, पर अब चूंकि एक बताना है तो बाकी दोनों मुझे थोड़ा सा बताने पड़ेंगे। पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताता हूँ। तो न्यूटन ने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक बार चला के छोड़ दोगे तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, करोड़ों सालों तक चलता रहेगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बोलता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है वो तब तक नहीं चलेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे।
तो स्थिति का जड़त्व ये बोलता है कि फोर्स लगाने से ही चीजें चल सकती हैं। मोशन का इनर्शिया, गति का जड़त्व ये बोलता है कि फोर्स चलाने से ही चीजें रोकी जा सकती हैं। और डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व ये बोलता है कि फोर्स लगाने से ही चीजों को घुमाया जा सकता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स जीरो रखें, यानी आप उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं, तो ना तो उसकी मूवमेंट हो सकती है, यानी ऑब्जेक्ट अपने आप पिकअप नहीं लेता। अब यहाँ पर मान लीजिए पानी की बोतल रखी है, ये पानी की बोतल पे मैं अगर कभी फोर्स ही ना लगने दूँ किसी तरह का, तो ये अपने आप नहीं सरक सकती है, इसको सरकने के लिए फोर्स चाहिए था। और चलती हुई चीज़ अपने आप रुक नहीं सकती है, वो चलती ही रहेगी, और चलती हुई चीज़ अपने आप घूम भी नहीं सकती है, उसको घुमाने के लिए भी फोर्स चाहिए ही चाहिए, ये रूल है। अब यहाँ चीज़ें घूम रही हैं सर्कुलर मोशन में, तो ये तो पक्की बात है कि वो बिना फोर्स लगाए नहीं घूम सकती, ऐसा न्यूटन का लॉ बोलता है। यानी धरती अगर सूरज का चक्कर काट रही है, तो यकीनन धरती के ऊपर किसी ने तो फोर्स लगाया है। और इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने कोई पत्थर घुमाया आपने चारों तरफ, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपने हल्का सा भी टर्न दे दिया और गाड़ी अगर घूमी है, तो गारंटीड कोई ना कोई फोर्स पक्का लगा है। बिना फोर्स लगे अगर गाड़ी घूम गई, तो ऐसे में न्यूटन का जो इनर्शिया का लॉ है ये फेल हो जाता, जबकि फेल कभी हो नहीं सकता, ये रूल है। ओके, देर आर सम थिंग्स विच यू कांट प्रूव, बट वो एक्सपेरिमेंटली पिछले हजारों सालों में इतनी बार टेस्ट की गई हैं, एटलीस्ट इन केस ऑफ साइंस पिछले 300 सालों में इतनी बार इतने एक्सपेरिमेंट से टेस्ट की गई हैं कि दे अटेन द स्टेटस ऑफ अ फैक्ट, कि अब वो सिर्फ थ्योरी नहीं रहे, वो फैक्ट बन चुका है। ओके, न्यूटन के लॉज कैन नॉट बी प्रूवन, कोई इनको प्रूव नहीं कर सकता है और प्रूव होते भी नहीं है, दे आर जस्ट लॉज। बट द फैक्ट इज कि वो एप्लीकेबल इतने अच्छी तरह से हो सकते हैं कि हम उनको एग्री कर लेते हैं कि ऐसे है। सो दिस इज वन सच थिंग, यू कैंट प्रूव द लॉ ऑफ इनर्शिया, बट वैसा है। ओके, तो बिना फोर्स लगाए चीज़ें नहीं घूम सकती हैं, दैट्स द फैक्ट। अब वो फोर्स जो भी चीज़ को घुमाएगा वो है सेंट्रिपिटल फोर्स, उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अब यहाँ पे आपके सामने मैं तीन सिचुएशन दूंगा मोशन की, और उन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे और फिर समझेंगे कौन सा उसमें एग्जांपल ऐसा है जिसमें सेंट्रिपिटल लगेगा और कौन सा है जिसमें सेंट्रिपिटल नहीं लगेगा। तो करके देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, तब तक कमेंट्स देखते हैं। सर इंग्लिश के बाद हिंदी में भी बोल दिया करें, ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से आ रही है, मतलब पिछली क्लास में भी बच्चे यही बोल रहे थे कि हिंदी में बोलें, एंड आई एक्सप्लेन इट पोलाइटली कि मैं एक बार उन वर्ड्स की हिंदी बता सकता हूँ जो भी इंग्लिश में वर्ड है, जैसे सर्कुलर मोशन का अगर मैंने एक बार वृत्तीय गति बोल दिया, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिपीट द सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, कि मैं अब एक ही लाइन को इंग्लिश में और फिर उसी लाइन को हिंदी में रिपीट करूँगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम लोगों के लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, थोड़ा सा मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा हिंदी के स्टेटमेंट्स में यूज़ करूं। ओके, सर जी फी कितना लग रहा है? आई वॉन्ट रिस्पॉन्ड टू दैट। सर मैं CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, GS स्पेशल का बैच ज्वाइन कर लिया है, क्या मुझे अभी बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत है? वॉच द प्रीवियस वीडियोज़। सर आप इतना शानदार पढ़ाते हैं, थैंक यू पंकज। और कोई हिंदी में बोले, ठीक है आगे से मैं हिंदी में और स्टेटमेंट्स यूज़ करूँगा। ओके, तो और कोई डाउट नहीं है, चलो चलते हैं। मोर ओवर इन केस अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, तो दैट द रीजन इज कि मेरे सामने अभी यूट्यूब के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सो व्हेन द स्टाफ कम्स बैक आई विल आस्क देम, और फिर मैं यूट्यूब वाले कमेंट्स भी देखूंगा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको अब यहाँ पर तीन तरह के मोशन का एग्जांपल देने वाला था, तीन तरह की गति हैं। एक एग्जांपल ऐसा है जहाँ पे कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ओके, तो ये किसी वस्तु की पोजीशंस हैं, शुरू में उसकी स्पीड 30 थी, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। ओके, एक सेकंड एग्जांपल है कि कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, तो यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और उसकी स्पीड है 30, 30, 30, 30, 30। और एक तीसरा एग्जाम्पल और है, उसके लिए जगह बची नहीं, यहाँ बना देता हूँ। ओके, तो वस्तु यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
और फिर यहाँ, और एक चौथा भी कर लेते हैं ताकि सब में डिफरेंशिएट हो जाए। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है 30 30 30 30 की स्पीड से चल रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है पहले 30 से 40 50 60 70, ठीक है। तो ये चार अपने पास एग्जांपल है, और जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ किसी वस्तु की स्पीड है, वो मीटर पर सेकंड में है। ओके, उपेंद्र पूछते हैं, सर जो क्वेश्चन करवा रहे हो सर जी, वो किस बुक के क्वेश्चन थे? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रदीप की बुक से उठाए हैं। तो प्रदीप की बुक में प्रीवियस ईयर के आए हुए 800 900 क्वेश्चन का फैक्ट इकट्ठा हो रखा है। मैं वो सारे के सारे 800 के 800 क्वेश्चंस आपको क्लास में कराने का प्लान लेके बैठा हूँ। तो हर टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करते जाएंगे। ओके, तो किरण की बुक आप ले सकते हैं, डिड आई से प्रदीप, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर, तो किरण इज द नेम ऑफ द बुक। ओके, सो किरण की पब्लिकेशन की बुक में जो 800 क्वेश्चंस हैं उनका लिस्ट मैंने अरेंज किया है टॉपिक वाइज। तो बुक में अगर आप जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, वहाँ पे रैंडम है, कहीं किसी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, फिर किसी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। तो मेरे पास वो सीक्वेंस है चैप्टर वाइज, तो हम वो करते रहेंगे और धीरे धीरे आपका वो सारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। मोर ओवर जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं दूसरे एग्जाम्स की, CDS की, CPF के, उसको भी हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, ये सारी वैल्यूज़ किसी वस्तु की स्पीड है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में उसकी स्पीड में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, 30 से 30 मेंटेन हुई है। उसकी डायरेक्शन में, उसके चलने की दिशा में किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है। तो इसका मतलब इनको अगर मैं कंबाइन करके बोलूं तो उसकी वेलोसिटी में यानी उसके वेग में किसी भी तरह का चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, समान वेग। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चेंज तो है नहीं, तो जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। 1 सेकेंड में चेंज कितना, 1 सेकेंड में चेंज कितना, 1 सेकेंड में चेंज कितना। तो इस एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, त्वरण का मान है शून्य। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो वस्तु को रुक जाना चाहिए, एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी अगर एक्सेलरेशन जीरो है। जबकि सच्चाई ये है कि जीरो एक्सेलरेशन का मतलब रुकना नहीं होता, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब अपनी स्पीड को और अपनी डायरेक्शन को, स्पीड और डायरेक्शन को, दोनों को मेंटेन करना होता है। अगर स्पीड और डायरेक्शन में से एक भी चीज़ बदल गई तो मैं एक्सेलरेशन जीरो नहीं बोल सकता, लेकिन जब तक स्पीड और डायरेक्शन दोनों की दोनों मेंटेन रहेंगी तब तक मैं एक्सेलरेशन को जीरो बोल सकता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन में चलना और सेम स्पीड मेंटेन करना, ये दोनों चीज़ कंबाइन करने के बाद हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो। इस सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, जब ऑब्जेक्ट 30 40 50 60 हो रहा है, तो क्या इसकी स्पीड में चेंज है? स्पीड तो 30 40 हुई है तो स्पीड में चेंज हो रहा है। क्या इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज है? डायरेक्शन पहले ये इधर आ रहा था एक्स एक्सिस में, और अब भी इधर ही आ रहा है, अब भी इधर ही आ रहा है, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। पर जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, कंबाइन करने के बाद यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, स्पीड और मूवमेंट के डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी यानी वेग। और वेलोसिटी में चेंज है क्योंकि अगर स्पीड और डायरेक्शन में से एक भी चीज़ बदल गई तो वेग तो बदल गया। इस एग्जांपल पे देखते हैं, और अगर यहाँ वेलोसिटी में चेंज है तो किसी न किसी तरह का एक्सेलरेशन भी है, यानी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, 5 10 15 कुछ होगी, पर जीरो नहीं होगी। इस एग्जांपल में अपनी वो वैल्यू है 10 10, 10 का चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक 10 का चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर है 10, ठीक है। तो दो एग्जांपल कर ली हमने, मैं इनके बीच में लाइन लगा देता हूँ ताकि अलग अलग दिखें कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ रुक गया, ठीक है। इसके बाद इस एग्जाम्पल पे देखते हैं, यहाँ इसकी स्पीड में चेंज, स्पीड में डेल्टा का मतलब है चेंज, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, 30 है 30 रहेगा। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में, इसकी दिशा में
चेंज यानी परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है, क्योंकि यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो वेग की दिशा हमेशा टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा के साथ होती है। इसका मतलब जब मैं कंबाइन करूँगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज है, वेग में किसी ना किसी तरह का परिवर्तन तो है, और अगर वेलोसिटी में चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, वो 5 होगी, 10 होगी, कितनी होगी डजंट मैटर, पर कुछ ना कुछ होगी जो ज़ीरो नहीं है। और इस एग्जाम्पल में उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ आर का मतलब है सेंटर से उसका रेडियस, तो वी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर जितना भी होगा कुछ कन्वीनियंट वैल्यू देगा क्वेश्चन में और आप डाल लेना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की ये वैल्यू होगी पर वो ज़ीरो नहीं होगी, पक्का है। अब यहाँ पर तो एक्सेलरेशन थी ही नहीं, पर इन दो एग्जाम्पल्स में एक्सेलरेशन है, तो हम इनको नाम दे देते हैं। वो एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू यहाँ अपने एग्जाम्पल में 10 है, लिख देता हूँ 10, ऐसी एक्सेलरेशन जो सिर्फ पिकअप दे या ब्रेक मारे पर वो डायरेक्शन चेंज ना कर पाए, ऐसी एक्सेलरेशन, ऐसे त्वरण को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हिंदी में हम उसे बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल, क्योंकि वो उसी दिशा में है जिस दिशा में वेलोसिटी है या उसके ऑपोजिट है, पर रहेगा उसके टेंजेंट के आसपास ही, ऐसा नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाली है 30 स्क्वायर अपॉन आर, आर उसका रेडियस है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी, ये एक्सेलरेशन टेंजेंट पर नहीं है, इसका मतलब इसको मैं टेंजेंशियल नहीं बोल सकता, ये रेडियस पर है, त्रिज्या पर है, इसलिए हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्रिज्यीय त्वरण, त्रिज्या के ऊपर जो है। और इसी रेडियल एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ही बात है। अब सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, रेडियल समझ में आ गया क्योंकि वो रेडियस के ऊपर है, सेंट्रीपिटल उसको इसलिए बोल देते हैं, सेंट्री मतलब सेंटर के, और पिटल, पिटा का मतलब होता है ढूंढना, लैटिन या ग्रीक वर्ड है, तो पिटा का मतलब होता है टू सीक, टू लुक फॉर, ढूंढना। तो ऐसी एक्सेलरेशन जो सेंटर को ढूंढती हो, यानी जो सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती हो, तो ये सेंटर की तरफ आ रही है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो जो सेंटर की तरफ जाती है वो सेंट्रीपिटल है, अभी केंद्रीय, केंद्र के ओर, जो केंद्र की ओर हो, आगे यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब केंद्रीय, तो अभी केंद्रीय जो केंद्र की ओर जाए वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और रेडियल यानी त्रिज्यीय। ओके, एक स्टूडेंट पूछ रहा है, राहुल पूछ रहे हैं सर कौन सा चैप्टर है, अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मोशन नाम है इसका, हिंदी में हम मोशन को बोलते हैं गति, और इसमें टॉपिक नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। फर्स्ट टॉपिक जो था काइनेमेटिक्स वो हम कर चुके हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे टेंजेंशियल है, यहाँ पे रेडियल है, लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो पहली एक सेकेंड में उसने जितनी दूरी तय करी है अगली एक सेकेंड में उससे ज़्यादा गया है, और ज़्यादा और ज़्यादा, यानी ये वाली चीज़ तो वो है जो यहाँ हो रही थी, पिकअप हो रहा है, लेकिन वो घूम भी रहा है, तो टर्न वाली चीज़ वो है जो वहाँ हो रही थी, यानी इस एग्जाम्पल में इसका और इसका दोनों का समावेश है, यानी यहाँ पर स्पीड भी बढ़ रही है और यहाँ पर टर्न भी हो रहा है, तो जो ये एक्सेलरेशन यहाँ स्पीड कराएगी, स्पीड बढ़ाएगी, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो भी एक्सेलरेशन टर्न कराएगी इस तरह से वो है एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस उदाहरण में दोनों के दोनों एक्सेलरेशन एक साथ लग रही है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी भी पॉइंट पर वो एक्सेलरेशन देखना चाहूँ, जैसे मैं इस पॉइंट पर देखना चाहता हूँ, ये पॉइंट है मान लीजिए एक्स, तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो होगी टेंजेंट के साथ, और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगी वो होगी रेडियस के साथ, त्रिज्या के ऊपर और इसके स्पर्श रेखा के ऊपर। तो इस दिशा में जो लगी उसको मैं नाम देता हूँ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, छोटा सा टी उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, और इधर जो लगी उसको मैं लिख रहा हूँ ए,
आर यानी रेडियल एक्सेलरेशन, और कभी कभी आपको बुक्स में वहां पर लिखा मिलता है ए सी। सी का मतलब है सेंट्रिपिटल अभिकेंद्रीय त्वरण। तो टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल ये दो एक्सेलरेशन है और वहां पर दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो नेट एक्सेलरेशन होगा, कुल जो त्वरण होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा आंसर है कि काश ये टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल किसी एक रेक्टेंगल की दो भुजाएं होती। तो ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो मान लीजिए एक तरफ है सेंट्रिपिटल और एक तरफ है टेंजेंशियल, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, कुछ कुछ ऐसा ही है यहाँ पे कि सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल के बीच में 90 डिग्री, और काश ये दोनों मिला के एक रेक्टेंगल बना देते। तो उस रेक्टेंगल का जो भी डायगनल होगा, करण वो जो डायगनल होगा वो होगी नेट एक्सेलरेशन, कुल मिला के जो फाइनल त्वरण होगा। तो अपना नेट एक्सेलरेशन आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड अंडर रूट, ये अपना फाइनल आंसर नेट एक्सेलरेशन। अब अक्सर ये वाली चीज़ हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे ये बतानी थी क्योंकि हमें एग्जॉस्टिव टॉपिक चाहिए। तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको थोड़ा बहुत ये वाली बातें बताई कि रेडियस पर होती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा सॉरी टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी और रेडियस पर हमेशा एक्सेलरेशन, तो ये वाली बात जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, उस समय मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं मन मन में मान कर चल रहा हूँ कि स्पीड कांस्टेंट हो, यानी 30 से 30 से 30 से 30 हो, क्योंकि उस समय मैं ये जानता था कि आगे चलकर ऐसा भी एग्जाम्पल आएगा जहाँ स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है, कभी 30 कभी 40 कभी 50, और ऐसे केस में जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो होगी इस रेक्टेंगल पे डायगनल। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर मैं देखूँ तो 90 डिग्री पर है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन जो फाइनल बनेगी वो रेडियस के ऊपर नहीं होगी, वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा। नीचे वाला ये दिख नहीं रहा है, होल्ड ऑन, मैं एक लाइन लगा देता हूँ, शायद ये लाइन दिख रही होगी, एक बार लेट मी नो अगर स्टूडेंट्स को इस लाइन तक सब कुछ दिख रहा है तो मैं यहाँ निशान लगा लूँ। कुछ एक कमेंट्स करें, क्या ये लाइन दिख रही है? बफरिंग थोड़ी सी लेट है। आई थिंक थोड़ा सा लैग है कि मेरे पढ़ाने में और आप लोगों के पास जो लाइव जा रहा है उसमें 1-2 सेकंड का कुछ लैग है। सो विल वेट, क्या इस लाइन तक दिख रहा है? ओके, आई बिलीव यहाँ तक तो दिख जाना चाहिए। तो तब तक मैं ये फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा सेंट्रिपिटल का स्क्वायर और टेंजेंशियल का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन हम अज्यूम कर लेते हैं, अब यहाँ से नीचे नहीं लिखूंगा मैं आगे। चलो, अब ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया, यूजुअली हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसा भी केस हो सकता है। ओके, ज़्यादातर एग्जाम्पल या तो ये रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल है, या फिर ये रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल है, लेकिन सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल दोनों हों ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है। ओके, अब एक स्टूडेंट बोल रहा है ऊपर नहीं दिख रहा है, तो मैं कैमरा देख लेता हूँ एक बार, तो शायद ये लाइन दिख रही होगी, मैं चारों तरफ ही एक बॉर्डर बना लेता हूँ, तो बहुत लिमिट हो जाता है उससे फिर मेरा काम करने का जगह। व्हाट सॉर्ट ऑफ बोर्ड इज दिस? हिल रहा है पूरा बोर्ड ये। ओके, सो ऊपर 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 ये लाइन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दिख रहा होगा। ओके, लेफ्ट साइड पूरा है। ओके, राइट साइड, ओके, यहाँ तक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो
अपना वर्क स्पेस इतने से तक लिमिट कर लेते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, जो सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे आपको बताना था. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज द थ्री एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तीन एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं. एक एग्जांपल है जहाँ पर मान लीजिए बीच में है धरती, और धरती के चारों तरफ ये कोई सैटेलाइट, तो ये है पृथ्वी और ये है कोई उपग्रह. ही सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. मे नॉट बी परफेक्ट, पर अज्यूम कर लो कि परफेक्ट सर्कल है. ओके उसके बाद एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए बीच में है कोई प्रोटॉन और चारों तरफ घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन. ओके और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जहाँ पे ये है आप. ओके और आपने अपने हाथ में कोई पत्थर लिया और पत्थर को अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं. तो यहाँ इन तीनों सिचुएशंस में सर्कुलर मोशन है और कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स होना ही चाहिए. बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के कोई भी चीज़ सर्कल में नहीं जा सकती, ये रूल है. तो यहाँ पर इस सैटेलाइट के ऊपर कौन है जो फोर्स लगा रहा है? धरती उस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और वो फोर्स कौन सा है? वो है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्व तो ग्रेविटी का फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी द प्रॉपर वर्ड. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते नहीं है. वैसे तो रियलिटी तो ये है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते नहीं हैं, पर फिर भी हमें एक सिंप्लीफाइड पिक्चर चाहिए, जैसा कि पुराने एटॉमिक मॉडल में था कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो हम वो एज्यूम करके चल रहे हैं. तो ऐसे में जो फोर्स लगेगा वो प्रोटॉन का अंदर की तरफ इसको खींचने वाला लगेगा, और यहाँ पर ये फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का काम करेगा. वैसे ये जो पत्थर है ये भी तरफ इसीलिए घूम रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स आपके हाथ में पकड़ी हुई रस्सी ने लगाया है. जैसे आप रस्सी को छोड़ देंगे, छोड़ते ही वो फोर्स जीरो जो आपने लगाया, और फिर पत्थर घूमेगा नहीं, फिर पागल थोड़ी जो घूमता रहेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गया. तो यहाँ पर जो पत्थर को लगातार अंदर की तरफ खींच रहा है वो फोर्स सेंट्रीपिटल का रस्सी ने लगाया है. तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. पूरा लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल. यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्थैतिकीय बल, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं आप इसको वैसे तो शॉर्ट में. तो विद्युत स्थैतिकीय बल जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में लग रहा है, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं द टेंशन फोर्स, तनाव बल, जो रस्सी का तनाव है जो पत्थर पे लग रहा है. तो ये कुछ चंद एग्जांपल हो गए. तरह तरह के फोर्स होते हैं दुनिया में, हजारों तरह के फोर्स हैं. तो उनमें से कोई भी तरह का फोर्स ऐसा हो सकता है जो सेंटर की तरफ लग रहा हो, और उसी का नाम है सेंट्रिपिटल. ओके कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सोचते हैं कि सैटेलाइट के ऊपर एक होगा सेंट्रिपिटल और दूसरी होगी ग्रेविटी, वो दो फोर्स सोच लेते हैं. लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, ग्रेविटेशन ही सेंट्रिपिटल है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही फोर्स है. और बस उसको सेंट्रिपिटल बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि फिलहाल वो सेंटर की तरफ खींच रहा है. ऐसे ही यहाँ पर लोग सोचते हैं कि घूमते हुए एक रस्सी का टेंशन होगा और दूसरा सेंट्रिपिटल होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है. यहाँ टेंशन ही सेंट्रिपिटल है. ओके तो सेंट्रिपिटल इज अ कैटेगरी ऑफ फोर्सेस. वो सारे के सारे फोर्सेस ही सेंट्रिपिटल यानी अभिकेंद्रीय कहलाएंगे, जो सेंटर की तरफ खींच रहे होंगे. अब वो फोर्स कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि सैटेलाइट तो इतनी ऊपर है, उसके ऊपर ग्रेविटी तो लगनी ही नहीं चाहिए. ये भी एक मिसकंसेप्शन है, जबकि सच्चाई ये है कि ग्रेविटी लग रही है तभी वो सैटेलाइट है. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो सैटेलाइट नाम का कंसेप्ट नहीं होता. सैटेलाइट होती ही ग्रेविटी की वजह से है, और लगातार ग्रेविटी लगती रहेगी तो सैटेलाइट घूमती रहेगी. जिस पल ग्रेविटी लगनी बंद हो जाएगी, उसी पल ये सैटेलाइट धरती को छोड़कर टेंजेंट निकल जाएगी. ठीक उसी तरह से अगर यहाँ बीच में ये प्रोटॉन ना होता तो इसको अंदर खींचने वाला फोर्स लगना बंद हो जाएगा. उसी पॉइंट से ये इलेक्ट्रॉन टेंजेंट पे यानी स्पर्श रेखा पे निकल जाएगा. किसी चमत्कार से अगर मान लो प्रोटॉन अंदर खींचना बंद कर दे या गायब हो जाए, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा. इसी तरह से अगर ये रस्सी टूट जाए या आप ये रस्सी छोड़ दें, तो उसी पल ये पत्थर टेंजेंट निकल जाएगा. तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट में अगर आप रस्सी छोड़ दें तो पत्थर किस दिशा में जाएगा? और ऑप्शन बोलता है कि पत्थर अंदर आ जाएगा, बाहर चला जाएगा, या टेंजेंट जाएगा. तो टेंजेंट जो स्पर्श रेखा है वो अपना आंसर है. ठीक है, एक एक कुछ क्वेश्चंस हो गए.
फिर साथ में कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक फोर्स और होना चाहिए जो इसको बाहर फेंकता हो, ऐसे इस पत्थर को जो बाहर की तरफ फेंकता हो, ऐसे ही इस सैटेलाइट को जो धरती से दूर फेंकता हो, और उस फोर्स का नाम होता है सेंट्री फ्यूगल, हिंदी में हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्री फ्यूगल फोर्स। सेंट्री मतलब केंद्र से रिलेटेड है, जैसे सेंट्रीपिटल था ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल, तो फर्स्ट पार्ट सेंट्री ठीक है, पिटल का मतलब था जो सेंटर को ढूंढ रहा हो, फ्यूगा का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे, जैसे जैसे वर्ड है फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा, ओके, कि कोई आदमी भाग गया तो हम बोलते हैं वो फ्यूजिटिव हो गया है, तो फ्यूगा का मतलब होता है भागना, जो सेंटर से दूर भागता हो, जो दूर भगा के ले जाए वो सेंट्रीफ्यूगल। बट अब कंसेप्चुअल बात यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, देर इज नो सच थिंग एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सिर्फ एक भ्रम है। सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का कंसेप्ट बनाया था कई 100 साल पहले साइंटिस्ट लोगों ने, उसके लिए फॉर्मूले भी बनाए, और वो फॉर्मूले काम भी करते हैं, और वो परफेक्ट मेजरमेंट कैलकुलेशन भी होती है, पर रियलिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। इट्स मोर लाइक मैथमेटिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आ गया -1 का अंडर रूट लेना है, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी वो कंसेप्ट है और वो काम आता है और वो बहुत सारी चीज़ यूज होती हैं, बट स्टिल रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल भी काम आता है, उसके जो फॉर्मूले बना रखे हैं, पर असलियत में सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो एक ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल का जो फॉर्मूला बनाया वो क्या है, वो भी अपने को वैसे पता होना चाहिए, वो है mv² / r, जहां पर मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, एम और v² / r। अब v² / r मैंने आपको बताया था कि ये एक्सेलरेशन है, पिछली क्लास में बता चुका था मैं, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये है एम ए, यानी ये एक फोर्स है और फोर्स इक्वल टू एम ए, तो ये तो चलता है, एफ इक्वल टू एम ए, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है न्यूटन का। तो अगर एम साथ में रहेगा तो वो फोर्स है, और जब बिना एम के आप देखेंगे तो वो एक्सेलरेशन है। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला टॉपिक है कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, वो देखते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो लेट मी नो। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पॉपुलर एग्जाम्पल्स, पॉपुलर एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एक पॉपुलर एग्जाम्पल आता है द बैंकिंग ऑफ रोड, ये अक्सर एग्जाम में आता है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग का मतलब होता है रोड को बाहर से उठा देना, जैसे अगर कोई आदमी है भाग रहा है सामने की तरफ, ये भाग रहा है हमसे दूर, तो मान लीजिए रोड के अंदर जा रहा है, ओके, और ये रोड है जिस रोड पे आगे भाग रहा है, आगे चल के ये आदमी टर्न करना चाहता है इस तरह से, तो अगर ये बहुत ही तेज रफ्तार में भागेगा तो टर्न करते समय हो सकता है बाहर की तरफ गिर जाए। अब आदमी इतना तेज नहीं भाग सकता कि बाहर की तरफ गिरने का एग्जाम्पल आ जाए, तो और तेज चीज करते हैं, मान लीजिए ये किसी गाड़ी में बैठा है, तो ये है ऑटो रिक्शा, ओके, तो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। तो ऑटो रिक्शा को हम ये पीछे से देख रहे हैं और ऑटो रिक्शा हमसे दूर भाग रहा है, सामने की तरफ रोड के अंदर, बोर्ड के अंदर इस तरह से जा रहा है, तो जब ये एकदम झटके से टर्न लेगा तो हो सकता है कि ऑटो रिक्शा बाहर की तरफ ऐसे पलट जाए। उसको बचाने के लिए रोड को थोड़ा सा इस तरह से अगर हम कर दें और ऑटो रिक्शा अगर ऐसे हो जाए, तो अब ये बहुत तेज भी जाएगा तो भी पलट के बाहर की तरफ नहीं जाएगा। तो पेपर में पूछेगा कि ये जो एंगल हमने बढ़ा दिया रोड का, रोड को आपने जो ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये बैंकिंग कर दी, ये क्यों करते हैं? तो उसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो ये लुढ़क के अंदर की तरफ आ जाए, हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो उस सर्कल के सेंटर की तरफ हो, यानी मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल को बढ़ाने के लिए,
मैं ये भी आंसर बोल सकता हूँ, करेक्ट आंसर है, या फिर जिस फोर्स की वजह से ऑटो उड़ के बाहर चला जाता, सेंट्रीफ्यूगल, जो रियलिटी में होता नहीं है बट आंसर है तो ऑप्शन में तो टिक मारना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, उसके प्रभाव को घटाने के लिए। यानी यहाँ पर जब ये ऑटो रिक्शा झटके से घूमेगा, घूमते ही बाहर जो पलटेगा, उसका इफेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रहा है। उस सेंट्रीफ्यूगल का इफेक्ट घटाने के लिए या सेंट्रीपिटल बढ़ाने के लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है। दूसरा, इसमें एक एग्जाम्पल आता है मिल्क या कर्ड में से क्रीम निकालने के लिए। तो दही भी लोते हैं, उससे लस्सी बना लेते हैं, और मक्खन अलग हो जाता है। तो बोलते हैं कि लस्सी और मक्खन अलग अलग कैसे होते हैं, तो आपको वहां पर भी टिक मारना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, उसकी वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अपनी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह की फेक ग्रेविटी पैदा कर सकता है, फेक ग्रेविटी। तो जिस तरह से आप एक मिट्टी से मिला हुआ पानी का गिलास लें, तो गिलास लिया, उसमें पानी में मिट्टी मिलाई और घोल के रख दी, 5-6 घंटे बाद अगर आप आएंगे तो मिट्टी काफ़ी सारी नीचे बैठ चुकी होती है और ऊपर जो पानी में मिट्टी का परसेंटेज है वो कम हो गया है। उसका रीज़न ये है कि ग्रेविटी ने जो ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है उनको नीचे खींच लिया है, जो मिट्टी के कण थे, हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स, और जो हल्का पार्ट है, लो डेंसिटी, वो पानी ऊपर रह गया है। तो बेसिक सिचुएशन ग्रेविटी ऐसी होती है। वही काम हम सेंट्रीफ्यूगल से कर सकते हैं कि मैं किसी टेस्ट ट्यूब में वही पानी और मिट्टी मिला के और उसको किसी ऐसी मशीन में डाल दूँ जो मशीन गोल गोल घूमती हो, तो घूमते घूमते एक ऐसी फेक ग्रेविटी महसूस करता है वो ऑब्जेक्ट जो भी घूम रहा है, जिसमें बाहर की तरफ जैसे ग्रेविटी लग रही है वो ऐसा फील करेगा। तो सारा का सारा जो उसमें मिट्टी है वो बाहर चली जाएगी और पानी अंदर की तरफ रह जाएगा। तो ग्रेविटी सिर्फ 9.8 है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम चेंज कर सकते हैं। जितना तेज घुमाओगे उतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल आएगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक कोई तौलिया होता, उसको पानी की बाल्टी में डुबाऊं और उस तौलिया को यहाँ जोर जोर से ऐसे घुमाऊं, तो पानी के छींटे दूर दूर तक पूरे कमरे में फैल जाएंगे। वो छींटे उड़कर दूर क्यों गए? उसका रीज़न है कि घूमते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, ने उसे दूर बाहर की तरफ फेंक दिया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिक फंडा ये है कि वो चीज़ों को बाहर फेंकता है। इतनी सारी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जहाँ चीज़ों को सेपरेट करता है। सिर्फ क्रीम और मक्खन तो एक एग्जाम्पल है, हाई लेवल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे यूरेनियम की एनरिचमेंट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ होता है, और यूरेनियम अपने आप में फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या वेपन्स में। तो ऐसे केस में यूरेनियम की एनरिचमेंट जब सेपरेट करते हैं यूरेनियम को, खराब यूरेनियम से अच्छे यूजफुल यूरेनियम से, तो वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पास्ट में ऐसा कई बार किया गया है। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस, बट उसके बावजूद हम फिर बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक नकली फोर्स है या रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, या कई बार उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक छद्म बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। तो उसको छद्म बल क्यों बोलते हैं? जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिख रही हैं तो छद्म बल तो नहीं बोलना चाहिए, चीज़ें बाहर जा रही हैं उसकी वजह से। अब उसको मैं समझाता हूँ कि उसे सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं, वो देखेंगे। तब तक डाउट, अमृत पूछते हैं सर क्लास कब तक चलेगा? 3:30 तक। हाँ, पर पिछली क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो गई थी वैसे, तो सॉर्ट ऑफ ये भी आज लंबी जा सकती है क्योंकि मैं खुद लेट आया था। तो 1:45 पे अपनी क्लास शुरू हुई थी, तो हम 3:45 तक लेंगे, 2 घंटे कंप्लीट। फिर आज़ाद पूछते हैं सर टॉपिक कौन सा है? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। रविदत्त पूछते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय फोर्स या अभिकेंद्रीय? लिख देता हूँ, फ्यूगल अपकेंद्रीय है और पिटल अभिकेंद्रीय है। ओके, ये है। फिर सोमेश बोलते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होगा क्या सर? वो होगा, पर ओमेगा अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो जब तक वो नहीं बताऊंगा तब तक मैं इस पॉइंट पे नहीं आ सकता। अतिन बोलता है छद्म बल क्या होता है सर? छद्म का मतलब नकली, जो रियलिटी नहीं है। सूडो, सूडो और छद्म ये बस उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो सूडो का मतलब है विच इज़ नॉट रियल इन रियलिटी, नकली है। जैसे इंग्लिश में वोकैबलरी में आपने पढ़ा होगा सूडोनिम,
किसी का नाम, सूडो मतलब नकली और निम उसका नाम। तो जैसे कोई कोई ऑथर होते हैं वो अपना नाम नकली नाम से अपने पोएम्स या आर्टिकल छापते हैं। फॉर एग्जांपल मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब का नाम गालिब नहीं था, उनका असली नाम था असदुल्ला खां, पर फिर भी वो गालिब नाम से अपनी कविताएं लिखते थे, तो वो उनका सूडोनिम है। इसी तरह से सूडो का मतलब नकली, ऐसे अमीबा, अमीबा के नकली पैर होते हैं तो उन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। तो यहाँ पे सूडो फोर्स यानी नकली फोर्स है, रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है। ओके मनोज बोलता है सर 10 मिनट बाद मेरा इंग्लिश का बैच है। ओके सो मैं आपको 3:35 तक छोड़ दूंगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी, तो देन वी विल स्टिक विद टाइम। हम 1:30 बजे से 3:30 बजे ही करेंगे आगे से हमेशा। ओके आज ये लेट होने का मेन रीज़न ये हुआ क्योंकि दूसरे हॉल्स में और भी क्लासेज चल रही हैं, सो दे हैड टू अरेंज अनदर हॉल। बट एनी वे वेद बोलते हैं क्यों फोर्स ग्रेटर होता है। ग्रेटर कौन सा फोर्स ग्रेटर बोला मैंने? आप एक बार ये क्वेश्चन वेद दोबारा भेजना, आप थोड़ा क्लियर बताओ, है ना? रितेश थैंक यू। ठीक है तो अभी अगले पॉइंट पे आते हैं इसमें कि सेंट्रीफ्यूगल असली में होता क्यों नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये मान लीजिए एक कार है, ओके, और ये कार आगे की तरफ भाग रही है। हम इस कार को ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू से, कि हम बादलों में बैठे हैं और ऊपर से हम नीचे रोड के ऊपर देख रहे हैं। और आप फ्यूचर में एक ऑफिसर बन गए हैं, आपका ड्राइवर है, ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और ये पीछे वाली सीट के ऊपर आप बैठे हैं सेंटर में। ये डायग्राम आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा, वहाँ पर मैंने ड्राइवर का नाम लिखा हुआ है रंगीला। तो जस्ट फॉर द फन, तो लेट्स अज्यूम कि ड्राइवर का नाम रंगीला है, ओके, और ये पीछे आप बैठे हैं और ये गाड़ी के 4 टायर्स, ठीक, और गाड़ी भाग रही है अच्छी खासी स्पीड से। मान लीजिए आपने गाड़ी को 100 की स्पीड से भागा रखा है, तो इसका मतलब ये भी है कि ड्राइवर भी 100 की ही स्पीड से भाग रहा है और आप भी 100 की ही स्पीड से भाग रहे हैं। अगर बाई चांस गाड़ी की स्पीड और आपकी स्पीड मैच नहीं करती, अगर आपकी स्पीड 100 की बजाय 101 होती तो आप गाड़ी से आगे निकल जाते, और अगर आपकी स्पीड 99 होती तो आप गाड़ी से पीछे रह जाते। सो इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि आपकी और गाड़ी की स्पीड सेम होगी। तो चलती जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है जहाँ गाड़ी को चलते रहना चाहिए। अब अचानक रंगीला के मन में आया एकदम गाड़ी घुमाने का, तो सडन टर्न लिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना है हमें। तो गाड़ी एकदम झटके से घूम के ऐसे इधर आ रही है, तो 1 सेकेंड के बाद ये है गाड़ी की पोजिशन, ये गाड़ी के 4 टायर्स, और ये है रंगीला। अब है गाड़ी की मूवमेंट इस दिशा में, और ये है पीछे वाली सीट, और ये हैं आप। तो आप बाहर जा गिरे हैं, आप पहले सेंटर में थे, अब तुम बाहर की तरफ चले गए हो। तो हम बोलते हैं आप बाहर क्यों गिरे, तो बेसिक आंसर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने तुमको बाहर फेंक दिया, अपकेंद्रीय बल ने बाहर फेंक दिया। अब हम वो जानना चाहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ओरिजिन कहाँ से आया, ये आया कहाँ से, ये है भी कि नहीं है। तो देखिए, इससे पहले कि मैं आपके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखूं, पहले मैं एक बार न्यूटन के नियमों का दोबारा से रिपीटेशन दे रहा हूं। न्यूटन का जो इनर्शिया का पहला लॉ था वो ये था कि बिना फोर्स लगाए किसी चीज़ की स्पीड बढ़ नहीं सकती। अब यहाँ पर मेरी गाड़ी की स्पीड 100 की 100 है, वो बढ़ी नहीं है, ड्राइवर ने तो सिर्फ बस स्टेयरिंग घुमाया है, तो स्पीड बढ़ने का एग्जाम्पल मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगा। सेकेंड इनर्शिया, जड़त्व का दूसरा नियम ये था कि बिना फोर्स लगाए ब्रेक नहीं लग सकते, किसी चीज़ की स्पीड कम नहीं हो सकती। तो यहाँ गाड़ी की स्पीड कम भी नहीं हुई है, तो 100 से 100 ही है, तो इसलिए सेकंड भी कंसिडर करने का मुझे यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। अगर स्पीड कम होती तो मैं उसको कंसिडर करता। थर्ड वाला जो है वो ये बोलता है कि बिना फोर्स लगाए कोई भी चीज़ टर्न नहीं ले सकती, तो फोर्स लगाए बिना पिकअप नहीं हो सकता, फोर्स लगाए बिना ब्रेक नहीं लग सकते, फोर्स लगाए बिना चीज़ घूम नहीं सकती। लेकिन वो थर्ड वाली चीज़ यहाँ हुई है, गाड़ी ने टर्न ली है, और अगर घूमी है इसका मतलब यकीनन कोई फोर्स तो लगा ही होगा, और वो फोर्स ही है जिसने इसको सर्कल में लाया। तो वो फोर्स ऑब्वियसली उस सर्कल के सेंटर की तरफ रहा होगा, आगे जाके हो सकता है गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली जाए, पर जिस वक्त तक ये घूम रही थी तब तक तो कोई सेंटर रहा होगा उसका, तो उस सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स ये ज़रूर था जिसने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अभी केंद्रीय बल का काम किया। और वो फोर्स यहाँ कौन सा है? जब उपग्रह धरती का चक्कर काट रहा था तो वो फोर्स ग्रेविटी का था, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था प्रोटॉन के चारों तरफ तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था,
जब पत्थर घूम रहा था तो टेंशन था, यहाँ पर ना तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा हो और गाड़ी नेगेटिव चार्ज की हो, ना ही यहाँ पर कोई ग्रेविटी फोर्स है क्योंकि मैं बादलों के ऊपर से देख रहा हूँ, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, ग्रेविटी साइड में रोड के सेंटर की तरफ नहीं होगी, तो ग्रेविटी इधर होती है, इधर नहीं होती है, तो वो भी केस नहीं है। जो थर्ड था कि टेंशन हो सकती है, वो भी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मैंने सेंटर में यहाँ कोई पोल गाड़ा हो ग्राउंड के ऊपर और गाड़ी से वहाँ तक रस्सी बांधी हो और फिर गाड़ी को उसे घुमाया हो, जैसे खो खो खेलते हैं तो पोल पकड़ के आप घूमते हैं कई बार जब आपको टर्न लेना होता है, तो वो आपको हेल्प करता है टर्न करने में क्योंकि पोल वहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में मैंने कोई फोर्स लगाया हो, तो यहाँ पर फोर्स है कौन सा? सो इट टर्न्स आउट कि वो फोर्स है अपना यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं घर्षण बल, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था फोर्स कई तरह के होते हैं, उनमें से कोई भी एक फोर्स आ सकता है यहाँ पे, तो वो घर्षण बल है कि गाड़ी के जो टायर्स हैं इन टायर्स के ऊपर जैसे ही आपने स्टेयरिंग घुमाया फ्रिक्शन लगा और रोड के फ्रिक्शन ने वो सेंटर की तरफ उसको धक्का देना शुरू किया और फिर गाड़ी टर्न करके चली गई। टू कन्विंस यू कि ये फ्रिक्शन ही है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर रोड के ऊपर काश फ्रिक्शन ना होता, कि कोई ऐसी सिचुएशन होती कि पूरा का पूरा रोड गीला है, बारिश हो रही है, घर्षण है ही नहीं और चिकना है और कीचड़ वीचड़ भी है, तो एकदम मैंने अज्यूम कर लिया कि जीरो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन घटाने के लिए मैंने रोड पे ग्रीस भी लगा दिया कि तुम आओगे तो काश तुम्हारी गाड़ी फिसल जाए, तो मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है फ्रिक्शन नहीं करूँगा। तो अब अगर फ्रिक्शन के अलावा कोई दूसरा फोर्स इसको घुमाता तो वो अब भी घूम जाना चाहिए था क्योंकि मैंने तो सिर्फ फ्रिक्शन ही हटाया है, पर रियलिटी ये है कि अब अगर रंगीला ने गाड़ी घुमाई तो भी वो स्किड होके सीधी ही चलती रहेगी और गाड़ी टर्न नहीं लेगी। सो दैट्स प्रिटी एविडेंट कि घर्षण ही था जो इसे घूमने में मदद दे रहा था, और वो फोर्स यहाँ पर इस तरफ था, अब यहाँ पर वो फोर्स इस तरफ है और आगे जाके वो इस तरफ होगा, तो जब तक वो फोर्स फ्रिक्शन का सेंटर की तरफ रहेगा तब तक आपकी गाड़ी घूमती रहेगी, आगे जाके उसने टायर सीधे कर दिए, फ्रिक्शन का फोर्स अब सेंटर की तरफ होना बंद हो गया तो गाड़ी स्ट्रेट निकलने लग गई। ओके, सो वी गॉट इट कि गाड़ी ने टर्न किया है क्योंकि कोई फोर्स लगा और फोर्स सेंट्रिपिटल है, घुमा दिया, सिंपल। बट वो जो फोर्स लगा है वो गाड़ी पर लगा है, वो तुम पर नहीं लगा है। तुम्हारे ऊपर अगर वो घर्षण लगा होता तो नीचे से जीन्स घिस गई होती, तो वो फ्रिक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई अगर फोर्स नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है यानी तुम पर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इनर्शिया का जो नियम है पर लागू होगा। इनर्शिया का नियम ये था, फोर्स लगाए बिना तुम्हारा पिकअप नहीं हो सकता, तो तुम पहले 100 से जा रहे थे, तुम अब भी 100 से ही जा रहे हो, तुम्हारा ब्रेक नहीं लग सकता यानी तुम्हारी स्पीड 100 से घट नहीं सकती और तुम्हारा टर्न नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम स्ट्रेट लाइन में ही जाओगे और तुम स्ट्रेट लाइन में गए हो, गाड़ी घूमी है क्योंकि गाड़ी पे फोर्स था, तुम नहीं घूमे हो क्योंकि तुम पर फोर्स नहीं था, तो हमने तो यहां पर यह साबित कर दिया कि तुम बाहर की तरफ नहीं गिरे हो, तुम तो स्ट्रेट ही गए हो, गाड़ी अंदर आ गई है। सो देर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑब्जर्वर्स कि कौन देख रहा है, जो आदमी गाड़ी के अंदर बैठ के देखेगा, रंगीला ऑब्जर्व करेगा, वो कहेगा मालिक बाहर गिर गए, और जो आदमी ऊपर छत से देखेगा यानी हम बादलों से देख रहे हैं, हम कहेंगे कि मालिक बाहर नहीं गिरा है, मालिक तो स्ट्रेट है, रंगीला अंदर चला गया, तो टर्न रंगीला में हुआ है ना कि मालिक में, गाड़ी घूमी क्योंकि गाड़ी पे फोर्स है, तुम पर फोर्स नहीं है तो तुम स्ट्रेट लाइन में चले गए। सो हेयर इज अ कन्फ्लिक्ट कि एक आदमी बोलता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो ड्राइवर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम बाहर चले गए और उसका रीजन था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आदमी बादलों में दिशा देख रहा था उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम स्ट्रेट लाइन में गए हो, दैट इज बिकॉज क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स था ही नहीं, नो फोर्स। अब दोनों बातें सच नहीं हो सकती, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या फोर्स नहीं है, एक ही चीज हो सकती है, द रियलिटी इज कि इनमें से सच कौन सा बोल रहा है, तो रंगीला झूठ बोल रहा है, तुम सच बोल रहे हो, हमें कैसे पता कि रंगीला झूठ बोल रहा है? तो इसके लिए फिजिक्स में सॉल्यूशन ये निकाला जाता है, जो आदमी खुद ही घूम रहा हो वो भला किसी दूसरे के टर्न को क्या मेजर करेगा,
लेकिन जो आदमी स्टेबल हो, जो बादलों में है, वो एक ही जगह पर पॉइंटेड है, वो टर्न नहीं ले रहा है, जो स्टेबल है, जिसमें खुद में एक्सेलरेशन नहीं है, वो देख सकता है। यानी ऑब्जर्वेशंस उसकी मान्य होती हैं जो स्टेबिलिटी के साथ हो, जिसमें इक्विलिब्रियम हो, जो स्थिर हो, जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। यानी तुम्हारी मेजरमेंट एक्सेप्टेबल होंगी, पर जो खुद ही टर्न ले रहा था, जो खुद ही एक्सेलरेशन में था, ऐसे आदमी के बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब पॉइंट ये है कि तुम तब तक बाहर की तरफ उड़ने का फोर्स महसूस करोगे जब तक तुम्हें कोई फोर्स ना मिल जाए। अब उधर ये गाड़ी का जो दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा उधर है अभी बंद, और तुम लुढ़कते लुढ़कते उस दरवाजे से टकराए। अब वो दरवाज़ा तुम्हारे कंधे पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स अब तुम्हारे ऊपर सेंटर की तरफ होगा। अब जाकर तुम्हें एक सेंट्रीपिटल मिलना शुरू हुआ है। तो अब चूंकि तुम्हें भी सेंट्रीपिटल मिल गया है, अब तुम भी घूम सकते हो, तो अब तुम भी गाड़ी के साथ जाओगे। यानी पहले तुम लुढ़कते रहोगे, जिसको रियलिटी में हम बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में जाओगे, और उसके बाद तुम गाड़ी के साथ टर्न लोगे, तो अब तुम गाड़ी के साथ जा सकते हो। अगर ऐसा होता कि इस तरफ ये दरवाज़ा नहीं होता, दरवाज़ा है ही नहीं, तो ऐसे में अब भी कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो तुम्हें सेंटर की तरफ धक्का दे, कंधे पर वो लगने वाला फोर्स अब नहीं है, तो तुम्हारा इंटेंशन अभी भी स्ट्रेट जाने का ही होगा। तुम्हें अब गाड़ी के साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं मरूं या जीऊं, लेकिन फिजिक्स के लॉज की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो तुम स्ट्रेट जाओगे, रोड पे गिरोगे, रंगीला चला गया अंदर, ठीक है? सो दैट्स द बेसिक सिचुएशन। अवधेश पूछते हैं, अगर स्पीड इनफाइनाइट हो तो फ्रिक्शन? स्पीड इनफाइनाइट वैसे तो फिजिक्स में हो नहीं सकती, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। हम यहाँ थोड़ा सा एक कट ऑफ बनाते हैं कि इन्फिनिटीज़ के साथ फिजिक्स वाले कभी भी डील नहीं करते, लेकिन मैथमेटिक्स वाले इन्फिनिटी के साथ डील करते हैं। रीज़न इनकी स्पीड इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकती, दैट इज़ कि फिजिक्स में मैक्सिमम अलाउड जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। रोशनी से ज़्यादा स्पीड किसी की हो ही नहीं सकती। और जब आप रोशनी की स्पीड तक पहुंच जाओगे, अगर वो वाली आप यहाँ सिचुएशन दें, अगर आपका क्वेश्चन ही ये हो जाए कि लाइट की स्पीड हो गई तो क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में न्यूटन के लॉज काम नहीं करते। याद है मैंने आपको बोला था कि न्यूटन के लॉ प्रूव नहीं किए जा सकते। उसका रीज़न ये भी है कि न्यूटन के लॉज कुछ लिमिटेड डोमेन तक काम करते हैं। दो कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ न्यूटन का लॉ काम ही नहीं करेगा। कंडीशन नंबर वन, वेरी क्वांटम स्केल, कि आप एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे घुस गए, वहाँ पे न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं। एंड सेकेंड, वेरी फास्ट ऑब्जेक्ट्स, जहाँ लाइट की स्पीड से अगर आप भागते हैं तो न्यूटन के लॉज काम नहीं करते। सो स्पीड इनफाइनाइट हो, दैट क्वेश्चन इज इनवैलिड इन दिस सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे फिर ये न्यूटन के लॉज वॉज चलते नहीं है। ओके, तो टाइम हो गया है। सो यहाँ आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है रंगीला के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स नाम की चीज़ होती नहीं। सो नो फोर्स इज द रियलिटी। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह पर एग्जाम में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखा मिल सकता है, दिशा का जड़त्व, आप उस पर। ओके, सो लेट्स फिनिश द क्लास टुडे हियर। अगले क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू।